तो कन्फर्मेशन एनालिसिस का सबसे देखो पहला पार्ट क्या है, ठीक है, व्हाट इज नोन बाय कन्फर्मेशन आइसोमर्स, ठीक है, शायद तुम्हें डेफिनेशन याद होगा सबको बच्चों, हाँ सर, ठीक है, तो ये वो वाले स्टीरियो आइसोमर्स हैं गाइस, दो स्टीरियो आइसोमर्स। अच्छा, ये स्टीरियो आइसोमर्स सिस ट्रांस भी हो सकते हैं, ये स्टीरियो आइसोमर्स आरएस भी हो सकते हैं, स्टीरियो आइसोमर्स कुछ भी हो सकते हैं, विच आर इंटर कन्वर्टेबल, जो खुद आपस में कन्वर्ट हो जाते हैं इन टू वन अनदर एट रूम टेम्परेचर, सच स्टीरियो आइसोमर्स आर कॉल्ड कन्फर्मर्स। कन्फर्मर्स कन्फर्मर्स कैन नॉट बी सेपरेटेड एट रूम टेम्परेचर, सेपरेट कर ही नहीं पाओगे तुम, क्योंकि जब वो खुद ही इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है, तो उसको तुम सेपरेट कैसे करोगे, राइट राइट। तो उसका पहला एग्जाम्पल जो है वो है एक्चुअली अमीन इन्वर्जन, ठीक है। अमीन इन्वर्जन क्या है भाई, इसके अंदर कोई POS नहीं है, क्यों भाई गाइस, CH3, H, D और लोन पेयर, कोई COS नहीं है, इनफैक्ट ऑल एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री आर एब्सेंट, ठीक है। अब वो कंपाउंड वॉज एक्सपेक्टेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, बट वेन एक्सपेरिमेंट्स वर डन दिस कंपाउंड वॉज फाउंड टू बी ऑप्टिकली इनएक्टिव, ठीक है। प्रॉब्लम इसके साथ क्या थी, उसका एक्सप्लेनेशन ये था, ठीक है, कि ये एक्चुअली इस तरह जब फ्लिप करता है तो ये अपने ही मिरर इमेज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। मैं इसको अगर मैं ऐसे देखो ड्रॉ करूं, इमेजिन ये छाते का टोपी जो है वो एक्चुअली ये है, लोन पेयर है, ये एन है, और छाते की जो तीन डंडियां हैं, दिस दिस एंड दिस, ये है एक्चुअली CH3, H, and D। अब सोचो, सुनो, तुम जैसे किसी प्लेट में खाना खाते हो, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर तुमने ज्यादा ज्यादा कस के हाथ रख दिया तो प्लेट जो है फ्लिप होके उल्टा हो जाता है, ठीक है। वैसे क्या है कि वैसे इसको सोचो कि अगर मैं इसको फ्लिप करूं, अच्छा फ्लिपिंग में हो क्या रहा है पता है, इसका लोन पेयर, सी द हॉरिफिक प्रोसेस, ठीक है, इसका लोन पेयर इसके न्यूक्लियस के अंदर से, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर से वेव्स के फॉर्म में निकलते हुए वो घुस के उल्टे साइड में इन्वर्ट होकर चला जाएगा इस तरफ। तो भाई ये जो CH3 इधर था, ये CH3 कहां चला जाएगा बताओ, ऊपर। ये जो यहां पे वेज है, सुनो, अभी भी वेज ही रहेगा, बस ये वेज उल्टा हो जाएगा इधर, और जो डैश डी पे था वो डैश में उल्टा हो जाएगा डी पे तरफ। कैन यू सी कि ये एक्चुअली इसका मिरर इमेज है, बिकॉज इसके नीचे अगर तुम कांच लगाओगे तो वही वाला कंपाउंड बनेगा, राइट सर। अंदर अंदर से, अब ये मत सोचो कि कैसे हुआ, हो गया, बस ये समझ जाओ बस तुम। तो अच्छा मुझे बताओ जल्दी से, इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल है, फर्स्ट सेकंड? स्टेबिलिटी सेम रहेगा, स्टेबिलिटी सेम रहेगा। इसका मतलब अगर मैं इसका एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाऊं, तो जो इस वन की स्टेबिलिटी थी वही टू की स्टेबिलिटी है कि नहीं बताओ? यस। बस जो प्रोसेस जो जिस पेन से गुजरा है, वो पेन के समय एनर्जी एक बार के लिए स्पाइक कर जाती है, वापस नीचे आ जाती है, समझ रहे हो? दिस जंप इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इतना एनर्जी चाहिए होता है उसको क्रॉस करके बम्प को उधर जाने के लिए। जितना ज्यादा एक्टिवेशन एनर्जी होगा उतना रिएक्शन क्या होगा बताओ, स्लो हो जाएगा। मतलब थर्मोडायनेमिकली वो जा सकता है लेकिन काइनेटिकली वो जा नहीं पाएगा, समझ रहे हो गया? तो सबको समझाना। तो एन sp3 hybridized nitrogen having three different valencies and one lone pair is always dekho ye word dekho, in rapid equilibrium with its enantiomeric form. This interconversion is known as amine inversion or umbrella inversion. theek hai, mujhe jaldi se batao ki rapid equilibrium kis factor pe depend karega, koi factor to bataunga, aata hai yaad aata hai ki kis cheez pe depend kar sakta hai, kis kis factors pe depend kar sakta hai? क्यों वेदांत, किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर सकता है ये इक्विलिब्रियम? टेम्परेचर। क्या बात है, ये कौन वेदांत बोला गया? आर्यन। हाँ गुड आर्यन, वेरी गुड। टेम्परेचर, वेरी गुड टेम्परेचर। नाउ इमेजिन अ वर्ल्ड, सुनो, जहां पे एक्चुअली मतलब हमारी दुनिया में ये कन्फर्मर की कैटेगरी में आता है बच्चों, लेकिन किसी और दुनिया में यही कंपाउंड स्टीरियोआइसोमरिज्म की कैटेगरी में आ सकता है, यही कंपाउंड कॉन्फ़िगरेशनल में आ सकता है आरएस में,
ठीक है, वो दुनिया कैसी होगी? लेट्स से प्लूटो है, समझ रहे हो? प्लूटो पे क्या है कि टेम्परेचर इज सो लेस, इट इज -370 डिग्री सेल्सियस के आसपास की जगह, 370 बोल रहा हूं, ओ माय गॉड, ठीक है जो भी, -270 डिग्री सेल्सियस के आसपास की जगह, इतनी ठंडी जगह में, ठीक है, एक्चुअली क्या होगा पता है? एक्चुअली इतनी कम एनर्जी है कि वाइब्रेशन हो ही नहीं रहा है तो वो फ्लिप नहीं करेगा, समझ रहे हो? बहुत बहुत जगहों पे, जो हमारे लिए बताओ सिस ट्रांस है, अगर कोई बहुत गर्म जगह हो सन के आसपास के टेम्परेचर के लिए, तो वहां पे सी डबल बॉन्ड सी कंटिन्यूसली टूटता है, टूट सकता है, खुल सकता है, रोटेट हो सकता है, हो सकता है, उनके लिए सिस ट्रांस भी उनके लिए किसमें आता हो बताओ? कंफर्मेशन में आता हो। अगर बहुत गर्म जगह तुमने रख दी तो उसके लिए सिस ट्रांस भी कंफर्मेशन के लिए हो सकता है, और बहुत ठंडी जगह रख दी तो वहां के लिए अमीन इन्वर्जन भी स्टीरियो आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल में काउंट हो सकता है, आरएस में। बट चलो फिलहाल ठीक है, मैं यहां पे तुम्हारी क्लास एक बार एंड करता हूं। हमारी नेक्स्ट क्लास इस वीक कब है भाई बच्चों? जल्दी बताओ। एक ही है सर। एक ही है, ठीक है, गुड। सुनो, मुझे नेक्स्ट क्लास जो तुम्हारी नेक्स्ट वीक होगी, जब भी होगी, मंडे ट्यूसडे, अच्छा, तो हम इस नाइट्रोजन और फास्फोरस के बाद में हम लोग एक बार कार्बन पे आते हैं। तो कार्बन पे जब नेगेटिव चार्ज होगा तो वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद नाइट्रोजन हो जाएगा, करेक्ट? एब्सोल्युटली राइट। तो इसलिए जितने भी कार्बनायन की स्पीशीज होती हैं, ठीक है, सी माइनस की स्पीशीज होती हैं, वो सब जो है, वो सी माइनस की स्पीशीज जो हैं, वो सब के सब नाइट्रोजन की तरह अमीन इन्वर्जन करती रहती हैं। दे ऑल आर अंडरगोइंग अमीन इन्वर्जन लाइक नाइट्रोजन। तो उस पे सी पे नेगेटिव चार्ज और ये लोन पेयर रहेगा, और उसकी जो तीन वैलेंसीज रहेंगी, जो उसकी तीन वैलेंसीज रहेंगी ए बी और सी, तो ये आपस में फ्लिप कर सकता है, इट कैन अंडरगो अमीन इन्वर्जन जस्ट लाइक दिस, एंड ये लोन पेयर नीचे आ जाएगा, सी माइनस एंड सी, ठीक है, एंड वेज और डैश, ठीक है, ऐसा बी और सी बिल्कुल सेम उसकी तरह से। इसलिए दिस इन्वर्टोमरिज्म इज फाउंड टू एग्जिस्ट इन सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स हैविंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंटेनिंग वन लोन पेयर, ठीक है, जहां जहां मेरे पास में ये केस आएगा वहां पे इन्वर्टोमरिज्म जो है एक्चुअली हमें मिलता जाएगा, ठीक है। तो इसलिए नीचे देखो इसको जो एग्जाम्पल है वो भी शायद हमें पूरी तरह क्लियर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो पहले नाइट्रोजन देखो, जैसे ही तुम्हें नाइट्रोजन sp3 हाइब्रिडाइज और तीन डिफरेंट ग्रुप्स के साथ में मिल रहा है तो ये इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ रेसिमाइजेशन ड्यू टू इन्वर्टोमरिज्म। अब जब तुम्हें N+ दिखाई दिया है गाइज, सुनो, तो N+ ऑप्टिकली एक्टिव क्यों है? क्योंकि हम फ्लिपिंग में सिर्फ क्या चीज नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के थ्रू निकाल सकते हैं? लोन पेयर निकाल सकते हैं। तो ये उसका अगर न्यूक्लियस है तो इसमें प्रोट्रूडिंग पार्ट जो लोन पेयर है वो इसके अंदर से पास करके बाहर आ सकता है, ठीक है, वो इसमें से निकल सकता है, ठीक है, तो यहां से लोन पेयर बाहर आ जाएगा, बाकी दोनों पार्ट्स रह जाएंगे। लेकिन अगर तुमने ये लोन पेयर किसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से डोनेट कर दिया है, फॉर एग्जांपल यहां पे H+ आ गया है, नाउ यू कांट फोर्स कि तुम इस H के एटम को यहां से बाहर निकालो, बिकॉज ऑब्वियसली H का एटम न्यूक्लियस और एक इलेक्ट्रॉन का एक अपना अलग कॉम्बिनेशन है जो इसके थ्रू नहीं क्रॉस कर सकता है। तो इसमें डेफिनेटली अमीन इन्वर्जन नहीं होगा। इन अदर वर्ड्स, दिस N+ इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू व्हाट? बोलो, आइसोइलेक्ट्रॉनिक टू व्हाट? कार्बन। और कार्बन जैसे नॉर्मल न्यूट्रल कार्बन होता है, तो टेट्राहेड्रल एक्टिव कार्बन के लिए हम कुछ हमने कभी इन्वर्टोमरिज्म तो देखा नहीं, तो इसलिए यहां पे बिल्कुल नॉर्मल रहेगा ये, राइट? सर, कोई रैंडम इलेक्ट्रॉन भी पास कर सकते हैं? रैंडम इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे तुम कोई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो क्या तरुण? हाँ। नहीं तरुण, वो नहीं कर सकते हैं सर इसमें। लेकिन फिर अगर ऐसे पास करेगा लोन पर तो पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट नहीं हो जाएगी? नहीं, पोटेंशियल एनर्जी इनफाइनाइट पहले तो पॉजिटिव नहीं होगी ना। अगर तुम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन की बात कर भी रहे हो, सुनो, तो वो एक्चुअली नेगेटिव में होगी, बिकॉज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास जा रहा है अगर, ठीक है, तो उसकी एनर्जी कम हो रही है।
सर बट एक पॉइंट के बाद बढ़ने लगेगी ना, वो रिपल्शन चालू कर देगा. किसके बीच में? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में. वो इनफिनाइट नहीं होगी. तुम बस ये बोल सकते हो कि वो जिस वो अगर अगर उसका पोटेंशियल एनर्जी कम हो रहा है, सपोज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से उसका उसका पोजीशन सर्टेनिटी बढ़ रहा है, तो उसका वेलोसिटी जो है वो इतना ज्यादा एरोनियस है कि उस इंस्टेंट में जब वो क्रॉस करता है न्यूक्लियस, तो कैसे वो, सुनो उसका इसके इसका मैकेनिज्म क्या है यहां से यहां क्रॉस करने का, ये डेफिनेटली हम लोग का पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स इशू, और हम कोई भी क्लासिकल कॉन्सेप्ट से उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो गलत होगा. ये होता है, ये हमारे पास में इसका देखो प्रूफ है, बस क्लियर बस एज अ नॉन फैक्ट याद कर ले. बस हमें एक बार अभी यही ध्यान रखना पड़ेगा. ये दो लोन पेयर वाले केस में नहीं हो सकता? दो लोन पेयर वाले केस में एक्चुअली देखो, पहली बात तो ये दो लोन पेयर वाले केस में होने के लिए, ठीक है, हमारे पास में, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास से बोला था ना कि बॉन्ड एंगल क्या होगा भाई हमारे पास में. देखो सपोज मेरे पास में ए एटम है, तो ए एटम के अंदर मेरे पास में अगर बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा तो बताओ इसका होना इजी है कि नहीं आर्यन? यस सर. यस सर. अब दो लोन पेयर के केस में क्या है मेरे पास में, एक तो जो भी मैं एटम उठाऊंगा इस पे सपोज, ठीक है, उसके अंदर इन दोनों के बीच में एंगल क्या है बताओ, और ज्यादा रिड्यूस हो गया कि नहीं बताओ? तो इस जो है कम एंगल पे मैं ये सोचूं कि ये लोन पेयर इसके थ्रू फ्लिप करके निकले और ये बॉन्ड इधर आ जाए, वो नहीं होता है, ठीक है. ये बात अलग है, मैं यहाँ पे ये भी बोलूंगा आर्यन, ये बात मैं ऐड करूंगा कि दो लोन पेयर वाले केस में लेट से अगर हम लोग इसका मतलब इफेक्ट अगर ऑब्जर्व करें तो हो भी रहा होता है नहीं भी हो रहा होता उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज रहता है तो ये ऑप्टिकली इनएक्टिव ही इन एनी केस, है कि नहीं? दो लोन पेयर ही हो गए ना बताओ इसके अंदर, सेम ग्रुप, तो उससे ग्रुप तो सेम रहते लेकिन ये होगा भी नहीं एक्चुअली, ठीक है, ये होगा भी नहीं. तो अच्छा, फास्फोरस के आते की बात ध्यान रखना कि थर्ड पीरियड का एलिमेंट ये नहीं करता है, इसलिए ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है, ये बात ध्यान रखनी है हमें, ठीक है. नो इन्वर्टोमरिज्म थर्ड पीरियड एलिमेंट में, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसलिए इसमें दिस लोन पेयर इज ट्रीटेड एज अ सेपरेट ग्रुप, ठीक है, हाइड्रोजन CH3 ET और लोन पेयर डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ठीक है. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो है देखो यहाँ पे हमारे पास में मैं तीन चीजें देखो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, ठीक है. एक है मेरे पास में, चाहे तुम्हारे पास जो पेज के ऊपर जगह है देखो तुम वहां ड्रॉ कर सकते हो. एक है मेरे पास में N विद अ सिक्स मेंबर्ड रिंग, ठीक है. एक इस पे क्या होगा N पे बताओ, ऐसा H होगा, और एक इस पे क्या होगा, लोन पेयर होगा, ठीक है. एक है मेरे पास में N विद अ फाइव मेंबर्ड रिंग, इसमें भी मेरे पास में लोन पेयर होगा, इसमें भी एक H होगा, और एक है मेरे पास में N विद अ थ्री मेंबर्ड रिंग, तो एक मेरे पास में यहां पे H होगा. ठीक है, तो इन तीनों में भाई फ्लिपिंग जिसे बोलते हैं, आई मीन इन्वर्जन, वो हो रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा बताओ पहले. इन तीनों में कैसे हो रहा होगा देखो, लेट मी शो यू लाइक दिस. नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी देखो एक बार, नाइट्रोजन की तीन वैलेंसी कैसे होती है बताओ. एक ये H है, एक वेज पे मेरे पास में A वैलेंसी होती है, और एक डैश पे मेरे पास में A वैलेंसी होती है. अब रिंग के साथ में क्या फायदा है देखो, कि ये वेज पे और डैश पे जब मेरे पास में सामान लगा हुआ है, ठीक है, ये जो दो जो वैलेंसी है गाइस, तुम अगर इन्हीं को आपस में जोड़ दो, ये वेज की वैलेंसी को आगे लेके जाओ, ठीक है, इधर लेके जाके मोड़ के और इसमें जोड़ दो, घुसा दो, तो ये रिंग बन गई कि नहीं बन गई बताओ? ये वाला पार्ट रिंग बन गई, यही तो रिंग यहां बनी हुई है बताओ. तो ये जो रिंग बन गई है, हम इसी रिंग को यहां पे क्या करेंगे बताओ, हम इसी रिंग को यहाँ पे क्या कर सकते हैं बताओ, फ्लिप कर सकते हैं. तो अगर तुम इसके ऊपर फिंगर से प्रेस करोगे, इमेजिन एज इफ क्या है ये जो है तुम्हारा हाथ है, ठीक है, ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है, और तुम इसको जो है, ठीक है, प्रेस कर रहे हो, यू आर एक्चुअली, ठीक है, अप्लाइंग प्रेशर ऑन दिस. तो इसको जो प्रेस करने से क्या होगा बताओ, ये रिंग पूरी की पूरी जो है फ्लिप होके, ठीक है, जो दो वैलेंसी है वो एक्चुअली ऐसी हो जाएंगी, ठीक है, इस तरह से H ऐसा हो जाएगा और लोन पेयर यहां से निकल जाएगा. तो यहां भी वही फ्लिपिंग हो रही है, सही बात है, समझ में आ रहा है क्यों हो रही है फ्लिपिंग यहां पे? यस यस ठीक है.
अब मैंने क्या किया, सिक्स का फाइव कर दिया, तो व्हाट डू यू थिंक इससे क्या इंपैक्ट पड़ गया? क्लिपिंग थोड़ा टफ हो गया। क्यों टफ हो गया सर? क्योंकि एंगल और पास आ गया है, तो जब बीच में से पास करेगा तो और ज्यादा घर्षण हो जाएगा। फेयर इनफ, सही बात है। एंगल एक्चुअली और ज्यादा पास आ रहा है, तो एंगल पास आ रहा है, जो एंगल यहां था उससे कम एंगल है और उससे बहुत कम एंगल यहां पे है, ठीक है। तो दैट मींस इसमें लोन पेयर को फ्लिप करवाना, जैसे जैसे एंगल पास आएगा, जैसे हमने फास्फोरस का केस देखा था, तो एंगल के डिक्रीज करने से, ठीक है, जो जो टेंडेंसी टेंडेंसी टू इन्वर्ट है वो इसमें इससे ज्यादा है और इसमें इससे ज्यादा है। सब कोई बात समझ में आ रही है? ये तो हो गया सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स। तो वैसे पेज के ऊपर लिख सकते हो कि अगर अगर मैं सिंपल साइक्लिक कंपाउंड्स की बात करूं तो उसमें ये ऑर्डर होगा। ये समझ में आया कि बताओ, ये समझ में आया क्या प्रतीक्षा? यस। अच्छा, अब हम आते हैं बायसाइक्लो कंपाउंड्स पे। तो सर, बट हम रिंग के थ्रू लोन पेयर को थोड़ी पुश कर रहे हैं, हम रिंग को अलग रख के उसके बाजू से पुश कर रहे हैं। मैं तुमसे एक सिंपल सी चीज पूछता हूँ शौनक, कि हमने हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कशन किया था और मैंने तुमसे वहां भी पूछा था कि ये किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, और उसमें एक आंसर अपना बॉन्ड एंगल था। तुम रिंग के थ्रू नहीं पुश कर रहे हो शौनक, लेकिन बॉन्ड एंगल इन्वर्जन को अफेक्ट करता है कि नहीं करता है? Yes, करता है। तो बॉन्ड एंगल जब 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 बॉन्ड एंगल इन्वर्जन को अफेक्ट कर रहा है, हाँ तो लिखा, देखो जब बॉन्ड एंगल इन्वर्जन को अफेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड एंगल रिंग का नंबर चेंज करने से एक्चुअली बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है, ठीक है। अच्छा, जैसे जैसे कोई बच्चा पूछ रहा है, सर एक बार फिर से बताइए सर, ये रिंग रिंग का नंबरिंग चेंज होने से क्या चेंज हो गया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जाम्पल ऐसे देता हूँ, देखो फिर से देखो कि जब मैं नाइट्रोजन को किसी ऐसे एंगल पर रखता हूँ जिस नाइट्रोजन रिलैक्स्ड है, ये उसके तीन एंगल्स हैं, ये वेज है, ये डैश है, ये डैश है और ये बॉन्ड है, और इस पे ये लोन पेयर। अब सपोज मैं देखो मैं काम कर रहा हूं, आई एम एक्चुअली स्क्वीजिंग दीज ग्रुप्स टुगेदर। इसमें होगा ये कि जब एन का एंगल तुम डिक्रीज करोगे तो ये एक्चुअली अगर अगर ये किसी भी रीजन से अगर ये स्क्वीज कर रहे हैं तो लोन पेयर और बाहर प्रोट्यूड हो जाएगा। इट्स लाइक तुम टूथपेस्ट होता है, ठीक है, उसके ऊपर ये ओपनिंग है बाहर से टूथपेस्ट निकालने की, और ये हमारी ट्यूब है टूथपेस्ट की, ठीक है। तो इट्स लाइक मैं अगर यहां से उसको स्क्वीज कर रहा हूं, ठीक है, तो भाई वो इसमें से जो जो भी कुछ पेस्ट है वो एक्चुअली और ज्यादा बाहर निकल के, ठीक है, प्रोट्यूड कर लेगा। उसी की तरह, ठीक है, जब मैं इसको यहां से स्क्वीज कर रहा हूं बॉन्ड्स को, तो ये लोन पेयर और ज्यादा बाहर की तरफ एक्चुअली प्रोट्यूड करना शुरू कर देगा, और ज्यादा बाहर की तरफ प्रोट्यूड करना शुरू कर देगा। तो ऐसे केस में, ठीक है, दिस इज लाइक दैट एग्जांपल जो हमने लिया था लास्ट क्लास में, कि एक मेरे पास में ऐसा अम्ब्रेला है जो बहुत ही एक्सपैंडेड और बहुत ही लो एंगल का अम्ब्रेला जो है वो इस तरह से बन जाता है, ठीक है। तो भाई इसका इन्वर्ट करना, और एक मेरे पास में ऐसा अम्ब्रेला है, ठीक है, जिसका एंगल बहुत ज्यादा, ठीक है, स्टीप है, बहुत ज्यादा लेस एंगल है, इसका इन्वर्ट करना, किसका इन्वर्ट करना ज्यादा ईजी है? इसका ईजी है कि नहीं दुल्ली का, बताओ? Yes, sir. Actually, bond angle कम करने से यही तो effect produce हो रहा है उसके अंदर। ये जो umbrella के ऊपर का जो tip होता है, जो बाहर निकला रहता है, ठीक है, ये actually lone pair की तरह है। तो अब क्या हो गया है? Third example जो हम discuss करना चाह रहे हैं, वो actually क्या बोलते हैं? वो actually bicyclo compounds का है। तो अब तक क्या किया था? देखो मैंने यहाँ पे N के ऊपर वेज और डैश में से इन दो बॉन्ड्स को जोड़ दिया था। अब सपोज मैं ऐसा करूं, देखो कि इसको एक रिंग में जोड़ने के बजाय मैं जो तीसरा बॉन्ड, ये जो इंडिपेंडेंट स्ट्रे बॉन्ड था,
ये बिल्कुल सबसे इंडिपेंडेंट अकेला साइड में पड़ा रहता था, मैं इसको भी जबरदस्ती इसमें जोड़ू. नाउ दिस इज अ वेरी ठीक यूनिक केस. देखो मैं इसको भी जबरदस्ती इसमें जोड़ू तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा. देखो कि एन के ऊपर एक वेज है, एक डैश है, ठीक है, एक ये है, और मैं अभी जैसे हवा में साइड में इसकी रिंग बना दिया करता था, ठीक है. अब मैं अगर देखो अगर मैं इस टिप को इस पे जोड़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू जॉइन दीज टू, आई वॉन्ट टू जॉइन दीज टू, तो बताओ मुझे क्या करना पड़ेगा. मुझे ये करना पड़ेगा कि इस रिंग को भी बताओ मुझे टेढ़ा करना पड़ेगा. आई हैव टू बेंड ईच एंड एवरी बॉन्ड, ठीक है, इन दिस डायरेक्शन. समझ रहे हो, सारे बॉन्ड्स को मुझे इस डायरेक्शन में बेंड करना पड़ेगा, और सबको बेंड करने के बाद में मेरे पास में ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर आ जाएगा. तीनों बॉन्ड्स जो हैं देखो मैंने यहां पीछे से बांध दिए हैं. कैन यू इमेजिन दिस, कैन यू इमेजिन दिस शेप. तुम लोगों ने बर्ड्स को रखने का जो पिंजरा अपन घर पे रखते हैं वैसा शेप इमेजिन किया है. समझ रहे हो गाइस, एक कुछ ऐसा शेप जिसमें क्या है कि एक ऐसा हमारे पास में, ठीक है, दिस इज अ केज, ठीक है, जो इस तरह से रहता है. एंड नीचे जो है ये क्या रहेगा भाई, नीचे एक्चुअली इस तरह ज्वाइन हो जाएगा आपके. तो ये एक्चुअली उस केज की तरह है जिसमें बस प्रॉब्लम क्या है. देखो उस केज के अंदर जैसे ये केज सर्कुलर होता है वैसे देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसमें इस केज में सिर्फ तीन ही डंडियां हैं. तो ये तीन डंडियों का बना हुआ एक्चुअली ये केज है. ये समझ पा रहे होगे भाई, ये थ्री डायमेंशनल फॉर्म में तीन डंडियों का बना हुआ एक केज है और इस एन का लोन पेयर ऊपर है. नाउ अब अगर मैं इस पे अगर फोर्स लगाऊं बच्चों, मैं अगर एन को पुश करने की कोशिश करूं, तो दिस इज एज गुड एज, मैं तो बताता हूं अभी एक्चुअली इन्वर्ट क्यों नहीं कर सकता. लेट मी टेल यू दिस, इट्स लाइक मैंने इस अम्ब्रेला में क्या किया पता है, ये जो टिप्स थी इसको मैंने यहां पे बांध दिया. एक्चुअली टाइड ऑल टिप्स, ठीक है, विद द हैंडल. अब बताओ ये अम्ब्रेला जैसा हो गया, क्या हो गया, कैसा हो गया, ऑलमोस्ट लीनियर हो गया. लीनियर मतलब लीनियर से ज्यादा क्या, मतलब मैं बोलूंगा कि अगर तुमने सीधी सी बात है तुमने अम्ब्रेला की टिप्स को अगर नीचे बांध दिया है तो अभी अम्ब्रेला इन्वर्ट करेगा क्या, बताओ. नहीं. मतलब क्या ऐसा, मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि अम्ब्रेला को इसको मैं इन्वर्ट करूं, ठीक है, जिसके अंदर क्या है कि ये कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर बन जाए कि एन के जो बॉन्ड्स हैं वो अंदर की तरफ चले जाएं ऐसे कुछ, और लोन पेयर अंदर की तरफ घुस जाए इस केज के अंदर. नहीं, बहुत ज्यादा स्ट्रेन हो जाएगा वो उसे अपने अंदर इन्वर्ट ही नहीं होने देगा. अल्टीमेटली इन्वर्जन क्यों होता था गाइस, अल्टीमेटली इन्वर्जन इसलिए होता था कि दूसरी तरफ जाने पे भी उसकी पोटेंशियल एनर्जी सेम हो जाती थी. सही है कि नहीं, बताओ. यस यस, वो यहाँ पे हो नहीं रही है फ्रेंकली. वो यहाँ पे ये जो आपने तीनों को जोड़ दिया वो रियल लाइफ में होता है, ये हुआ है भाई, ये चीज वही तो है. ओ अब मैंने ये डायग्राम देखो ऐसे बनाया है, अभी मैंने डायग्राम ऐसे बना दिया एज इफ जो है मेरा प्लेनर कंपाउंड है. समझ रहे हो क्या? यस. व्हाट इज द लेंथ ऑफ रिंग इज वेरी लार्ज. हाँ, लेंथ ऑफ रिंग अगर बहुत ज्यादा लार्ज है तो अनीश ऐसा हो सकता है. अनीश जैसे पूछ रहा है सर अगर लेंथ ऑफ रिंग बहुत ज्यादा लार्ज है तो क्या होगा. तो अगर लेंथ ऑफ रिंग बहुत ज्यादा लार्ज है तो हो सकता है कुछ हो जाए, ठीक है. वो सिंपल साइक्लिक में थ्री मेंबर रिंग में भी इन्वर्जन शो करता है. किसमें? थ्री मेंबर रिंग वाले में, साइक्लिक में. हाँ, शो करता है एक्चुअली, लेकिन उसके सुनो, लेकिन उसका बैरियर बहुत ज्यादा होगा. वो शो करता है लेकिन उसका बैरियर ज्यादा होगा. तो आई कैन जस्ट टेल यू कि ये कुछ ऐसा रहेगा बच्चों. तो ये बायसाइक्लिक कंपाउंड्स जो दिखाई देंगे वो कुछ ऐसे दिखाई देंगे. जस्ट अ मिनट. सर एक बार बैरियर का मतलब वापस बताओगे? हाँ बताते हैं, एक मिनट.
तो ये कुछ ऐसा है। अब इसमें बहुत सारी इमेजेस बायसाइक्लिक कंपाउंड्स के लिए है, ठीक है। तो उसमें से देखो ये इमेज चूज करता हूं जो तुम्हें ऊपर से ऐसी नजर आती है। गाइस देखो व्हाट यू सी लाइक दिस, तुमने जैसे देखा वो एक्चुअली इमेज जो है, ये इमेज ये नहीं होती है, ये तो उसका 2D अननेसेसरी उसका फोटो है। एक्चुअली वो इमेज ऐसी होती है, दिख रहा है क्या ये नॉर्बोरेन? यस। तो इस नॉर्बोरेन के अंदर देखो तुम्हें बाहर जो 6-membered रिंग दिखाई दे रही है, देखो गाइस ये जो बाहर मैं डार्क कर रहा हूं, ये 6-membered रिंग जो है ये एक्चुअली ये वाली रिंग है, ये 6-membered है रिंग, बोलो भाई। यस सर। ठीक है, और जो तुम्हें ये जो मैं जो ये ऐसे उसी प्लेन में लगता है कि टेढ़ा हुआ वाला एक बॉन्ड है, टेढ़ा हुआ बॉन्ड नहीं है, ये एक्चुअली क्या है, उसने इसने बाकी दोनों रिंग के प्लेन को इस तरफ बेंड किया है और खुद भी जो है एक अपना एक बेंड बॉन्ड बना के बैठ गया है। दिस इज द ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ प्रॉपर बायसाइक्लो कंपाउंड विद अ स्पायरो कार्बन, ब्रिज हेड कार्बन, आई एम सॉरी स्पायरो नहीं, ब्रिज हेड कार्बन। ऐसे कार्बन को हम लोग बोलते हैं स्पायरो, देखो इसको बोलते हैं स्पायरो, समझ रहे हो, इसको बोलते हैं ब्रिज हेड। तो अगर इस ब्रिज हेड कार्बन के ऊपर यहां पे नाइट्रोजन है, देखो गाइज यहां पे नाइट्रोजन है, तो ये लोन पेयर इस तरह बाहर निकला हुआ रहेगा। तो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट तुम अब इसको अंदर की तरफ इन्वर्ट नहीं कर सकते, समझ रहे हो क्या भाई? यस। तो बस दिस इज ऑल आई वांटेड टू से कि हाँ, कोई डाउट पूछ रहा था कुछ, क्या बोले प्रतीक्षा, तो कुछ पूछ रही थी क्या? बैरियर क्या है, ये केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का पार्ट है, ठीक है प्रतीक्षा। बैरियर जो है ये क्या है कि ये कुछ ऐसी चीज है कि मतलब वो एक ऐसा अनस्टेबल पॉइंट होता है जिसमें क्या है कि जिसमें कभी कोई रहना नहीं चाहता। फॉर एग्जाम्पल देखो अम्ब्रेला है, तो अम्ब्रेला क्या है कि जब इन्वर्ट करना शुरू करता है प्रतीक्षा, जब वो सपोज अगर ये अम्ब्रेला है मेरे पास में, जब ये इन्वर्ट करना शुरू करेगा और इन्वर्ट होने के बाद में प्रतीक्षा जब ये अम्ब्रेला ऐसा हो जाएगा, इट विल बी लाइक दिस, वी कैन इमेजिन कि एक ठीक है बारिश में डिजास्टर अम्ब्रेला कुछ ऐसा तुम्हें ठीक है दिखाई दे रहा है, ठीक है प्रतीक्षा। बिटवीन दिस स्टेज एंड दिस स्टेज, ठीक है दिस स्टेज एंड दिस स्टेज, एक स्टेज मेरे पास में ऐसी आएगी ना कि फॉर एन इंस्टेंट वो जो है ठीक है वो एक्चुअली अम्ब्रेला कुछ ऐसा हो गया होगा, बिल्कुल फ्लैट, समझ रहे हो गया? ठीक है, तो ये अगर मैं इसका पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करूंगा तो ये ऐसा, ये अप जाके ऐसे और फिर ये ऐसे हो जाएगा, समझ रहे हो गया? तो ये जो चीज है, ये चीज इसको हम लोग बोलते हैं बैरियर, ठीक है। बिकॉज क्या है प्रतीक्षा कि तुम्हें अगर यहां से यहां जाना है तो तुम्हें इसको क्रॉस करना मस्ट है कि नहीं, बताओ तुम्हें? यस सर। बिना इसे क्रॉस के तो जा नहीं सकती हो, तो इसकी कितनी एनर्जी है, ठीक है, ये जो है कितना स्टेबल या अनस्टेबल है, इस पर डिपेंड करता है कि तुम जा पाओगी या नहीं जा पाओगी। तो लेट मी जस्ट गिव यू अ स्मॉल हिंट कि थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो है वो किस चीज को डील करता है प्रतीक्षा, कि फाइनली और इनिशियली क्या एनर्जीज है, समझ रही हो? वो इस पार्ट को डील नहीं करता है जो मैं तुम्हें अभी सब दिखा रहा हूं, वो इस पार्ट को डील नहीं करता है प्रतीक्षा। थर्मोडायनेमिक्स इस पार्ट को डील नहीं करता है, ठीक है, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशंस को डील करता है। वेयर इज केमिकल काइनेटिक्स किस चीज को डील करता है, केमिकल काइनेटिक्स इस चीज को डील करता है कि वहां पहुंचने का रास्ता क्या है, हाउ विल यू रीच देयर। तो ये जो है ये एक्चुअली कितना ऊपर है, ये एक्चुअली काइनेटिक्स में आता है, समझ रही हो? जी सर। ये बैरियर है। तो इसलिए बायसाइक्लो कंपाउंड्स के अंदर क्या है, इन्वर्जन नहीं हो सकता। सर नाइट्रोजन पे 2-3 रिंग्स हुई तो भी सिमिलर ही होगा। 2-3 रिंग्स कैसे हो सकती है नाइट्रोजन पे, मतलब भाई सुनो, नाइट्रोजन जो है वो 3 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड से तुम जितने केसेस बना सकते थे वो हमने बना लिए। तुम पेपर पे रिंग ड्रॉ करके दो तरुण, फिर हम देख लेते हैं,
ठीक है, रिंग ड्रॉ करके फोटो भेज के कॉल करो सर बाद में। हाँ अच्छा, सी माइनस तुम्हें पता ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। कंफर्मेशनल एनालिसिस ऑफ कंपाउंड्स लाइक दिस, ठीक है, कंपाउंड्स लाइक दिस, डायहेड्रल एंगल डब्लू। तो अब जिसको भी यहां पे थोड़ी दिक्कत है, लेट मी गिव यू अ स्मॉल इंट्रोडक्शन कि हाँ भाई सबको दिख रहा है आई गेस। देखो मेरे पास में ये दो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन्स हैं, मैं इसका एक सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस मैं सपोज इसका इस तरह से ग्रुप बना देता हूँ। सपोज ये ग्रीन वाला जो ग्रुप है ये y मान लेते हैं, और बाकी सारे जो ग्रुप्स हैं वो सब वाइट में लगाते हैं। ऑल हाइड्रोजन्स रिप्रेजेंट द वाइट थिंग्स, इसको यहाँ लगा देता हूँ, इसको यहाँ लगा देता हूँ, और इसको यहाँ लगा देता हूँ। इतने सारे डाउट तुम्हें कैसे हो गए? और एक जो है ऑरेंज वाला ग्रुप जो है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ। तो सब लोगों को इसमें सारे एटम्स का नोटिफिकेशन, देखो सब सबका नोटेशन समझ में आ रहा होगा आई गेस। इसमें एक्चुअली देखो इसमें एक्चुअली जेड सबसे पहले, वाई सी, देखो इसको देखो यहाँ पे, यहाँ पे जहाँ मेरा पेन है एक्चुअली, ये हमारा मॉलिक्यूल जो है, दिस इज वाई सी एच एच, फिर सी, ये है सी टू, ठीक है, और इस पे ये ग्रीन वाला सब्सटेंस जो है ये जेड और एच एच। तो एंगल बिटवीन प्लेन्स का मतलब क्या है कि देखो तुम्हें जो अभी एंगल दिखाई दे रहा है राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर कैमरा, ग्रीन और ऑरेंज में जो कैमरा दिखाई दे रहा, एंगल दिखाई दे रहा है तुल्ली का, वो एक्चुअली डायहेड्रल एंगल है, दैट इज डायहेड्रल एंगल। तो डायहेड्रल एंगल का मतलब क्या है कि देखो इस ग्रीन बॉन्ड से, ठीक है, इस ग्रीन बॉन्ड से इस वाइट बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड और इस सीसी के वाइट बॉन्ड से एक प्लेन बन रहा है। कैन यू सी कि वो प्लेन एक्चुअली, ठीक है, कुछ कुछ मतलब ऐसा प्लेन होगा, इट विल लुक लाइक दिस, दिस इज द प्लेन, यस, ठीक है, और इस ऑरेंज बॉन्ड से और इस सीसी के वाइट बॉन्ड से एक और प्लेन बन रहा है। कैन यू सी, ठीक है, कि ये एक्चुअली ये वाला प्लेन होगा, यस ठीक है। तो एक्चुअली जो मैं दोनों प्लेन्स अगर यहां बना दूं, देखो मेरे हाथ में देखो ये ऑरेंज वाला बॉन्ड और ये वाइट वाला पूरा बॉन्ड जो है, देखो दोनों पूरे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन्स अगर मैं बना दूं तो ये मुझे कुछ ऐसे दो, ठीक है, ऐसे दो प्लेन्स मिलेंगे। तो इन दो प्लेन्स के बीच में जो एंगल है ये एक्चुअली डायहेड्रल एंगल है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, दो प्लेन्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं तो मैथ्स में सीखोगे, ठीक है। जस्ट सेकंड गाइस, होल्ड ऑन, देयर इज समवन एट द डोर। सॉरी, ठीक है, डायहेड्रल एंगल है।
अब इस डायहेड्रल एंगल के बेसिस पे देखो, वो तुम्हें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स दिखा रहा है। तो यहां से अगर मैं शुरू करता हूँ राइट फ्रॉम दिस पॉइंट, जिसमें वो इसकी शेडो में, जिसे हम इक्लिप्स फॉर्म बोलते हैं गाइस, ठीक है, दिस थिंग, ठीक है, तो इस जो है इक्लिप्स फॉर्म में से यहां से यहां तक आने में देखो इनफाइनाइट एंगल्स, सबको दिख रहा है ये घूम रहा है पीछे वाला, इस इनफाइनाइट एंगल्स का मतलब ये है कि एक्चुअली इसके इनफाइनाइट कंफर्मर्स हैं, ठीक है ना। यस मैम, सबसे पहला जो फॉर्म है इसको मैंने बोला इक्लिप्स फॉर्म। अब ये फॉर्म इक्लिप्स है गाइस, अभी न्यूमैन प्रोजेक्शन है गाइस, जो तुम देख रहे हो उसका न्यूमैन प्रोजेक्शन है, ठीक है, ये फॉर्म एक्चुअली इक्लिप्स है, सही बात है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्म भी इक्लिप्स है, बोलो है कि नहीं, दोनों फॉर्म इक्लिप्स है। अब इसलिए इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करने के लिए हमने इनको दो अलग अलग नाम दिए। हमने इसको बोला क्या बताओ, जब हाइड्रोजन के अलावा दूसरे ग्रुप्स डायरेक्टली सामने सामने आ गए हैं, इसको हमने बोला फुल्ली इक्लिप्स्ड, क्योंकि तुम्हें नीचे नाम में समझ में आ रहा है, और इसको हमने बोला पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। इज देयर अनदर काइंड ऑफ इक्लिप्स्ड, क्या और कोई तरह का इक्लिप्स है क्या इसमें, थोड़ा और घुमाते हैं हम लोग। फिर मैंने इसको 60 डिग्री घुमाया, 60 नहीं 120 डिग्री घुमाया, फिर यहाँ इक्लिप्स बना, देखो एक और। अब ये क्या फुल्ली की पार्शियली के अलावा और कुछ है कि इन दोनों में से कुछ फिट हो जाएगा, तो ये पार्शियली इक्लिप्स, और फिर मैंने इसको घुमाया तो फिर फुल्ली इक्लिप्स हो गया, राइट राइट, दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या है गाइस, एक जो है वो बड़ी बड़ी अच्छी चीज है, मुझे बताओ, जस्ट इन केस मुझे बताओ, वैसे कंपाउंड क्या है बताओ, ये ऑप्टिकली एक्टिव की इनएक्टिव? इनएक्टिव, इनएक्टिव, इनएक्टिव क्यों है ये सर? क्योंकि एक भी पर्टिकुलर अरेंजमेंट में पीओएस होता है तो हमें ना, बिल्कुल सही बात है, किसी एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में अगर पीओएस सीओएस आ जाए तो हम उसे इनएक्टिव बोलते हैं, राइट राइट राइट। अच्छा, लेकिन मैं तुमसे पूछ रहा हूँ एक्चुअली, जस्ट शायद हम डिस्कशन कर चुके हैं, मे बी मैं तुमसे ऐसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये कंपाउंड सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा, तो प्रैक्टिकली इसका ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो कुछ आएगा कि नहीं आएगा? अब अपन ऐसे देखते हैं, मुझे बताओ ये वाला पर्टिकुलर कंफर्मर एक्टिव है कि इनएक्टिव है, बताओ। सिर्फ ये कंफर्मर, मतलब जो भी कुछ परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो भी कुछ परसेंटेज ऑफ मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में रहेंगे वो इनएक्टिव होंगे, राइट? देखो अगर मैंने इसे 2 डिग्री रोटेट किया ऐसे, तो बताओ थोड़े से मॉलिक्यूल्स इस फॉर्म में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? थोड़े से, यस सर, बट इसका कॉन्वर्स भी रहेंगे ना। हाँ, तो ये वाला पर्टिकुलर कंफर्मर एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है, ठीक है। और ये वाला पर्टिकुलर कंफर्मर मैंने 2 डिग्री और रोटेट कर दिया, एक्टिव है कि, अच्छा इसको मैंने गॉश बना दिया, तो ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है? एक्टिव है। और मैंने इसको पार्शियली इक्लिप्स बना दिया, अब बताओ एक्टिव है कि इनएक्टिव है? अभी भी एक्टिव है, एक्टिव अभी भी। सही बात है, मैं सही बात है, सही सब जो लोग बोल रहे हैं वो, ये भी सही है। इसका मतलब एक्चुअली इसमें देखो, इसमें मुझे बताओ कितने कंफर्मर्स खुद एक्चुअली इनएक्टिव है, कैन वी काउंट देम? यस सर, 1 सर, 2 सॉरी 2 कितने हैं? 2 कितने हैं वेदांत? 2 कौन कौन से 2 हैं वेदांत सर? वो कैसे बताऊं, कोशिश करो बताने की, मैं काफी रिसेप्टिव, मेरे मतलब ऑर्गन्स काफी तेज हैं सर। आपको मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, मैं रिसेप्शन मेरा बहुत स्ट्रांग है, सब कान बोले नहीं बोले, मतलब क्या चीज अभी बोले हम नहीं 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 उसको वेदांत एक बार ट्राई कर ले ना। नहीं बोल पा रहे वेदांत, वैसे बोलने का है क्या? स्टैगर्ड बोल दो, चलेगा, वो भी चलेगा। तुम मुझे हिंदी में समझा दो कि सर ऑरेंज और ग्रीन ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे तो हो जाएगा। तो वो इक्लिप्स्ड होता है तो फिर वो अगर एच और दो, हाँ ये वाला, हाँ अच्छा ये वाला क्या है बताओ,
इनएक्टिव है ना। अच्छा और कौन सा कंफर्मर इनएक्टिव होगा बताओ। हाँ अनिश, हाँ ब्राह्मिन, यस महक, हाँ सोहम, यस आर्यन, हाँ शिवेन, हाँ प्रतीक्षा, हाँ शौनक। और कौन सा कंफर्मर इनएक्टिव होगा ये बात हम लोग देखो कैसे बताएं। ये जो बात है ये बात एक्चुअली कुछ ऐसी है ना भाई कि तुम ये बोल नहीं पा रहे कि सर ऑरेंज बिल्कुल नीचे चला जाए यार। हाँ सर वही, इतना मुश्किल है। वही का मतलब क्या होता है देखो, तो ये एक्चुअली दूसरा ये कंफर्मर है, इसमें ऑरेंज जो है वो बिल्कुल नीचे ठीक है चला गया। तो फिर ये वाला प्लेन है जिससे इसको कट करने पे ये एक्चुअली क्या बन रहा है बताओ गाइस, पीओएस बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा सारे कंफर्मर जब एक्टिव हैं फिर भी सॉल्यूशन का ऑप्टिकल रोटेशन मेरे पास में जीरो आएगा कि नॉन जीरो आएगा। मतलब ये कि जो ये है सुनो, इसमें मैं अगर यहां पे कांच लगाऊं ऐसे तो एक्चुअली इसका रिफ्लेक्शन ऐसा बनेगा ये, बोलो सही है गाइस? यस सर। ओके, तो व्हाट डू वी कॉल दीज टू टाइप्स ऑफ कंफर्मेशंस, ये दिस एंड दिस, दीज टू आर कॉल्ड स्टैगर्ड बॉन्ड। स्टैगर्ड क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, स्टैगर्ड तो ठीक है, इन दोनों के बीच में जो रिश्ता है दैट इज कॉल्ड इनांशियोमर्स। नाउ सुनो सुनो, इनांशियोमर्स क्यों? बिकॉज दे बोथ आर मिरर इमेजेस एंड दे आर सुपर इम्पोजिबल, नॉन सुपर इम्पोजिबल, so before using the term enantiomers, ठीक है, we should not use the term enantiomers so loosely for these compounds, because enantiomers used to be associated with those compounds that were actually non-superimposable mirror images and non-interconvertible as well. So we call these compounds conformational enantiomers. Samajh rahe ho kya? Yes, sir. What do we call them? Conformational enantiomers. Just like the invertomers, the cases of amine inversion in case of nitrogen. Okay, those two. Invertomers were also actually conformational enantiomers. ठीक है, तो ये इसका टर्म है। And similarly, just like they, these two compounds are called conformational enantiomers. Similarly, this compound, सुनो, this compound and अच्छा सुनो, this compound is GOSH, right? Yes, sir. And this compound is actually anti, right? Anti. Yes. So these two compounds are called this anti and this GOSH can be called what? Conformational isomers. Enantiomers. Conformational isomers. Isomers. The confirm. Stereomers. Ha. These two compounds are called diastereomers. Conformational diastereomers. Because again diastereomers. Diastereomers should not be interconvertible. तुम यहाँ एक बात याद रखना कि नॉर्मल आइसोमरिज्म से हट गए हैं ना भाई, हर चीज एक दूसरे में इंटरकन्वर्टेबल है, तो तुम्हें हर टर्म के आगे तुम्हें हर रिश्ते के आगे तुम्हें वर्ड लगाना पड़ेगा कन्फर्मेशनल, इज दैट राइट? यस सर। तो दीज टू आर कॉल्ड कन्फर्मेशनल डायस्टीरियोमर्स। सर गॉश में जो भी दोनों मतलब ऊपर नीचे नहीं है वो सारे गॉश ही होंगे स्टैगर्ड में? गॉश में जो भी दोनों क्या नहीं है, जैसे वाई जेड एडजेसेंट हुए जब भी, तो वो सारे गॉश कंफर्मेशन से होंगे?
मतलब हाँ मतलब गॉश में तो एंगल 60 होना चाहिए ना, उसके बाकी सब उनको वो बोलते हैं ना। नहीं पहली बात तो गॉश में गॉश जो तभी डिफाइन है प्रतीक्षा जब क्या है कि बाकी दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो और इसमें एक डिफरेंट हो, ठीक है, और इसमें भी क्या है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो और एक डिफरेंट हो, तो तभी गॉश डिफाइंड है। तो तीन ही तो केस बनते हैं स्टैगर्ड में, एक ये स्टैगर्ड, एक ये स्टैगर्ड और एक ये स्टैगर्ड, समझ रही हो? तीन में से ये वाला क्या होगा बताओ? एंटी बोल दिया बाकी दोनों गॉश। सी इक्लिप्स और स्टैगर्ड जनरल टर्म्स है बच्चों, ठीक है। इक्लिप्स के अंदर हमने फर्दर डिफाइन किया है फुल्ली इक्लिप्स पार्शियली इक्लिप्स, सिमिलरली स्टैगर्ड के अंदर हमने डिफाइन किया है क्या प्रतीक्षा? गॉश और एंटी, ठीक है। तो गॉश और एंटी हो सकता है कि डिफाइन ना हो प्रतीक्षा, लेकिन स्टैगर्ड हमेशा डिफाइन होगा। अगर मैं ये सारे ग्रुप्स डिफरेंट कर दूं ए बी सी और डी ई एफ तब भी स्टैगर्ड डिफाइन होगा, समझ रहे प्रतीक्षा? जी सर। सर एक डाउट है, अगर मैंने कोई रिएक्शन किया एंड उसमें मुझे ये मिला जो आपने अभी पकड़ा हुआ है, अच्छा, और मैंने इसको सेपरेट कर लिया पूरे मिक्सचर से, तो वो मिक्सचर जो मेरा मुझे इतना सारा अमाउंट ऑफ ये मिला है जो भी सब्सटेंस है मेरा, वो क्या हमेशा रेसमिक रहेगा? तुमने तुमने इसको सेपरेट कर लिया ना? हाँ रेसमिक रहेगा मतलब सुनो, नहीं 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 वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, हम उसे रेसमिक नहीं बुलाते। अगेन रेसमिक मिक्सचर हम उसे बुलाते हैं एक्चुअली, वैसे तुमने बता दिया अच्छी बात है सर, ये वाला गॉश इस वाले गॉश से एक्सटर्नल कंपेंसेशन से कैंसिल हो रहा है, सब अच्छी बात है, बट दिस मिक्सचर इज नॉट कॉल्ड रेसमिक मिक्सचर, क्योंकि जब एक फॉर्म दूसरे फॉर्म में अपने आप इंटरकन्वर्ट हो सकता है तो रेसमिक मिक्सचर हम उसे बोलेंगे जिसको हम लोग ऑप्टिकली आइसोलेट कर पाए। तो क्या ये ऑप्टिकली आइसोलेबल है? नहीं नहीं, क्योंकि ऑप्टिकली आइसोलेबल नहीं है इसलिए हम इसे रेसमिक नहीं बुलाते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, इसको रेसमिक मत बोलो। ओके सर, ठीक है। तो आई गेस इतना सबको क्लियर है, हमने बहुत टाइम लगाया इसमें। जीरो डिग्री, सुनो डिग्री डायहेड्रल कैसे डिफाइन है तुल्ली का समझाना। ऑरेंज और व्हाइट वाला बॉन्ड का जो प्लेन है उस प्लेन, और ग्रीन और व्हाइट वाले बॉन्ड का जो प्लेन है उस प्लेन के बीच में एंगल है, तो जीरो डिग्री है। अभी बढ़ते बढ़ते कितना हो गया भाई, था बताओ भाई, 60 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है, 120 डिग्री हो गया। नीचे ड्रॉ किया हुआ है देखो, स्टैगर्ड गॉश पार्शली इक्लिप्स सब सब एकदम क्लियर है ना भाई? यस सर, यस सर। सो सर व्हाट डू वी कॉल दिस मिक्सचर? वी कॉल दिस मिक्सचर, मतलब हर मिक्सचर का नाम थोड़ी है बच्चे, वी कॉल दिस वी कॉल दिस कंपाउंड एन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, दैट्स इट, कुछ नहीं, ठीक है। टू डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ कंफर्मेशंस फॉलोइंग स्ट्रेन्स आर कंसीडर्ड, तो देयर आर फॉलोइंग स्ट्रेन्स, एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, वैन डर वाल स्ट्रेन। सर डिग्री के लिए भी दो एटम्स सेम होने चाहिए, जैसे इसमें हाइड्रोजन है सेम। अच्छा ये फिर से बोलो, डिग्री को डिफाइन करने के लिए दो एटम्स सेम होने चाहिए क्या? डिग्री को डिफाइन करने के लिए दो एटम सेम होने चाहिए, डिग्री को डिफाइन करने के लिए, हाँ डिग्री कहाँ पे आया, यहाँ पे कहीं आया क्या डिग्री? सर वो 60 डिग्री कह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, डिग्री को डिफाइन करने के लिए दो एंगल सेम नहीं चाहिए, वो तो सुनो, डिग्री को डिफाइन करने के लिए अगर सारे एटम्स अलग अलग हैं तो डिफाइन करते समय तुम्हें क्लियरली बताएगा कि विद रिस्पेक्ट टू दिस ग्रीन एंड ऑरेंज इतना एंगल डायहेड्रल एंगल है, वैसा बोलेगा तू। सर अगर सारे हाइड्रोजन होंगे तो फिर कैसे डिफाइन करेंगे? कोई दिक्कत ही नहीं, तब तो एंगल सारे सेम ही रहेंगे ना, वैसे भी तब तो तुम कुछ भी बोल दो एंगल सेम ही रहेगा ना भाई। हाँ सर समझ गए ना, मान लो सब सुनो, मान लो तुम्हारे पास सब कुछ व्हाइट है, अब मुझे बताओ जैसे ये चीज अभी व्हाइट व्हाइट है, तो अभी एंगल जो जो 60 डिग्री एंगल इनके बीच में है आर्यन, वही इसके बीच में भी है, वही इसके बीच में भी है, कहाँ दिक्कत है बताओ? सर वहाँ पे 3 लिखा हुआ था, 3 कंफर्मेशनल आइसोमर्स। किसके? जो आपने पीडीएफ भेजा था उसमें इथेन के। सर इथेन वाले केस में था ये? नहीं वो गलत है, नहीं वो गलत है, गलत है उसको, मुझे भी इसके अंदर करेक्शन करवाना है,
वो सब चीजें वो हैं जो बच्चों को होमवर्क दी थी उन लोगों ने गलत लिख लिया है, अभी हम देखेंगे इसमें, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन, वंडरवॉल स्ट्रेन। तो देखो तीनों स्ट्रेन को हम लोग देखते हैं, एंगल स्ट्रेन, टॉर्शनल स्ट्रेन और वंडरवॉल स्ट्रेन, तीनों कैसे डिफाइन होते हैं। सुनो, एक्चुअली क्या है कि अगर मैं इसे ओपन छोड़ दूं मॉलिक्यूल को, तो ये मॉलिक्यूल इंटरनली देखो हर एंगल अपने पसंद के हिसाब से चूज करके बैठा है। देखो यहाँ पे देखो, इसके बीच में एक्चुअली एक एंगल पसंद है इसे, ठीक है, उतना देखो ये खोल के बैठा है आराम से। इसे देखो यहाँ के बीच में देखो एक एंगल पसंद है, ठीक है, हर जगह बताओ क्या है ये एंगल, क्या है बताओ, ये रिलीव्ड है कि नहीं बताओ, मतलब इट्स लाइक तुम्हें एक डबल बेड पे तुम्हें सोने को दे दिया है, तो तुम जितना आराम से फैल के कंफर्टेबली सोना चाहते हो उतना तुम आराम से खोल के, ठीक है, सब कुछ अपना एक्सपैंड करके हम अपना लेटे हैं। वैसे मॉलिक्यूल आराम से बिना किसी एंगल के लोड के, ठीक है, ऐसे ही बैठा है, ठीक है। अब एंगल स्ट्रेन कब आता है, देखो एंगल स्ट्रेन ऐसे आता है, देखो अगर ये जो एंगल चाहते हैं, अगर मैं इन्हें फोर्स करूं अपना एंगल चेंज करने के लिए, देख रहे हो, आई एम, ठीक है, डूइंग दिस, आई एम एक्चुअली टॉर्चरिंग दिस मॉलिक्यूल, आई एम ऑन द वर्ज कि मेरा एक और मॉलिक्यूल टूट के अभी हाथ में आ सकता है, ठीक है, तो मैं क्या करूं, मैं कुछ ऐसा कर दूं, देखो मैंने सपोज ये दोनों बॉन्ड हटा दिए, ठीक है, मैंने यहां पे एक बॉन्ड लगा दिया, देखना मैं इसे क्या करूंगा अभी, ठीक है, मैंने यहां पे एक बॉन्ड लगा दिया, ठीक है, और फिर मैंने इनको ऊपर से एक जो है एटम से जोड़ दिया, देखो भाई। अब जब मैं ये थ्री मेंबर रिंग बना रहा हूं, देखो वाइल फॉर्मिंग दिस रिंग, ओह माय गॉड, ये इतना ज्यादा स्ट्रेन में है गाइस कि ये एक्चुअली रिंग बनने ही नहीं दे रहा है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्म दिस रिंग, रियलाइजेशन भी गलत है, इट्स कोई भी एटम मैंने ऐसे ही रैंडमली उठा लिया है, आई गेस तुम मेरी फीलिंग समझ गए होगे बच्चों, हाँ सर, ठीक है, तो मैंने एक स्पेसिफिक हाइब्रिडाइज्ड एटम्स, जब मैंने ये पाप कर दिया, इफ आई हैव डन दिस, तो द इसको इतनी मुश्किल से मुझे इसमें घुसाने में, ओ माय गॉड, मेरा बॉन्ड टूट गया, शायद तुम्हारा बैच आखिरी बैच होगा जो ये समझ पाएगा, ठीक है, सी ऑब्जर्व द लिटरल सर्कुलर स्ट्रेन, तुम देख पा रहे हो गाइस अभी, सही बात है, ये इमेजिन द टॉर्चर दैट दिस थिंग इज गोइंग थ्रू, ठीक है, एंड इसलिए ऐसा होता है एक्चुअली दैट दिस इज अंडर सो मच स्ट्रेन, ठीक है, दैट वन हिट लाइक दिस, ओह शिट, कहां गिराया, वन स्ट्रेन, वन हिट लाइक दिस एंड दिस बॉन्ड इज ऑफ द हुक्स, ठीक है, तो दिस इज एक्चुअली एंगल स्ट्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये चीज रिपीट करूंगा कि एंगल स्ट्रेन तुम्हें नॉर्मली कब दिखते हैं गाइस, वो ओपन चेन मॉलिक्यूल्स में एंगल स्ट्रेन वैसे भी बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, दे आर वेरी लेस, क्या होता है बताओ, एंगल स्ट्रेन बहुत नेग्लिजिबल होते हैं, समझे कि भाई, बहुत ही कम होते हैं एंगल स्ट्रेन, अच्छा, इसलिए यहां पे लिखा है डिस्टेबिलाइजेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम डिस्टॉर्शन ऑफ बॉन्ड एंगल्स फ्रॉम देयर नॉर्मल वैल्यूज, नॉर्मल वैल्यू मीन्स बॉन्ड एंगल बिकॉज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा, नीचे आते हैं टॉर्शनल स्ट्रेन, तो टॉर्शन समझते हो तुम क्या होता है, नहीं, जब टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होता है, देखो स्ट्रेन एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मल स्टेट से किसी चीज को बेंड किया जाए, टेढ़ा मेढ़ा किया जाए एंड सो ऑन, दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन। तो देखो अब अगर मैंने इस जो सीसी बॉन्ड को देखो, अगर मैंने ऐसे किया तो ये एक्चुअली एंगल स्ट्रेन था, बिकॉज ये ऐसे नहीं होना चाहता था। अब इमेजिन करो कि मैं अगर इस सीसी बॉन्ड को, ठीक है, या मैं एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस को, ठीक है, सपोज ये पेन है देखो, तो मैं अगर किसी भी सब्सटेंस को अगर ऐसे घुमाऊं कि मेरा ये वाला हाथ, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है और ये वाला हाथ मेरा, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, लाइक दिस, समझो, तो तुम जो कपड़ा, जब अपन भीगे हुए कपड़े को, ठीक है, पानी निकालने के लिए निचोड़ने का काम करते हैं, सबने लाइफ में किया होगा एक एक बार कभी ना कभी, जैसे मुट्ठी पे लेके ऐसे उसको दबा दिया बस तुमने नहीं सर, अच्छे से करना पड़ता है, अच्छे से करना पड़ता है, आई होप, ठीक है, इस पिछले एक साल में तुमने कुछ लेसन लर्न किए होंगे, ठीक है, इस एरिया में।
तो वो जो कपड़े को घुमाने का जो मोशन है, ठीक है, दैट मोशन दैट इज द रोटेटिंग मोशन अलोंग द एक्सिस, लीनियर एक्सिस ऑफ एनी सब्सटेंस इज एक्चुअली कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन. ठीक है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड टॉर्शनल स्ट्रेन. तो इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन कैसे आ रहा है गाइस? इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन ऐसे आ रहा है, देखो इमेजिन दिस सिचुएशन, कि जब ये मॉलिक्यूल के दोनों ग्रुप्स, देखो दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के सामने सामने हैं, सुनो, तो ये तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है, उसका बताओ इसके साथ कहीं कोई प्यार मोहम्मत या कोई लिंक या कोई रिश्ता है क्या? नहीं. क्या कोई बॉन्डिंग है क्या इस एटम और इस एटम के बीच में? कोई बॉन्डिंग है क्या बताओ मुझे? नहीं सर. तो ये जो सिग्मा सिग्मा का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये जो सिग्मा सिग्मा का इलेक्ट्रॉन, ये जो मतलब दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन का सिग्मा का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके बीच में रिपल्शन है कि नहीं बताओ? यस, बट लेकिन बहुत मिनिमम है. हाँ, कम है, लेकिन है कि नहीं बताओ? है ना? ठीक है, तो अब इसको अगर तुम ऐसे देखो, सुनो, तो बताओ मुझे ये व्हाइट वाला पीछे का जो व्हाइट वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो इस ग्रीन वाले को हर तरह से रिपेल करना चाहता है. तो वो इस ग्रीन वाले को एक्चुअली, देखो वैसे तो ग्रीन वाले को वो आगे भी पुश दे रहा है, बट इस ग्रीन वाले को इस तरफ भी पुश दे रहा है, इस तरफ. देखो मेरा फिंगर, देखो ऐसे. और ये ग्रीन वाला जो बॉन्ड है ये एक्चुअली इस व्हाइट वाले को क्या कर रहा है बताओ? इस तरफ पुश दे रहा है, इस तरफ. देख रहे मेरा फिंगर, इस तरफ. यस. तो ये दोनों जो है ये एक्चुअली क्या कर रहे हैं बताओ? ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट ऐसे पुश दे रहे हैं राइट नाउ. समझ रहे हो क्या गाइस? यस सर. देख रहे हो तुल्लिका के ऐसे? यस सर. इससे बताओ कहां स्ट्रेन डेवलप हो रहा है? सर बॉन्ड पे. कौन से बॉन्ड पे? वो बड़ा वाला जो दोनों कार्बन का, कार्बन कार्बन बॉन्ड. हाँ, इसमें यहाँ पे स्ट्रेन डेवलप हो रहा है. समझ गए चैतन? यस सर. तो ये जो स्ट्रेन डेवलप हो रहा है यहाँ पे, इसके ऊपर, इसके अंदर एग्जैक्टली वो कपड़ा निचोड़ने वाला इफेक्ट आ रहा है. समझ रहे हो क्या भाई? सर लेकिन वो तो फ्री टू रोटेट है ना, तो स्ट्रेन क्यों? नहीं, वो फ्री टू, सुनो, वो फ्री टू रोटेट है, वो फ्री टू रोटेट है. उसके अंदर स्ट्रेन, सुनो, उसके अंदर स्ट्रेन क्या है कि मोमेंटरीली डेवलप होता रहता है, और एक्चुअली क्या है वो ऑर्बिटल स्लिप होते होते अपना स्ट्रेन रिलीज भी करता रहता है. ठीक है, बट स्ट्रेन तो आता है भाई, स्ट्रेन तो आता ही है. ठीक है, जस्ट बिकॉज, देखो इसको अपन ऐसे समझते हैं. अगर कोई, मेरी बात सुनना तरुण, सपोज तुम ग्राउंड पे खड़े हो, सुन लो तरुण, सपोज तुम ग्राउंड पे खड़े हो, कोई जो है सीलिंग से हाथ बाहर निकाले, जस्ट इमेजिन सीलिंग से हाथ बाहर निकाले, तुम्हारी जो है गर्दन पकड़े, तुम्हारा मुंह पकड़े और तुम्हारे मुंह को जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करना शुरू कर दे, ठीक है, तो बताओ तुम ग्राउंड पे खड़े हो तो फ्री टू रोटेट हो कि नहीं बताओ मुझे? Yes. हो ना तरुण? Yes. तो Yes, मैं तुम्हारी गर्दन को ऐसे बहुत ज्यादा इस तरफ, देखो ऐसे अगर मैं रोटेट करूंगा तो तुम्हारी पूरा तुम्हारा बॉडी जो है वो रोटेट करेगा कि नहीं करेगा उसके साथ बताओ? हाँ, क्या तुम्हें मजा आएगा? तो तुम बॉडी तुम्हारी फ्री टू रोटेट है, बट तुम्हारी पूरी बॉडी ट्विस्ट होके एक टॉर्शनल स्ट्रेन में आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी बताओ? तो वो फ्री टू रोटेट है. इसका मतलब ये नहीं है कि उनमें आपस में इंटरनल ग्रिप्स और फ्रिक्शंस नहीं होंगी, कुछ ना कुछ होगा, उसकी वजह से स्ट्रेन आता है. ठीक है क्या? हाँ सर, ठीक है. दिस इज कॉल्ड एक्चुअली टॉर्शन स्ट्रेन. सर इलेक्ट्रॉन साइडवाइज रिपल्शन क्यों करते हैं? इलेक्ट्रॉन साइडवाइज रिपल्शन, इलेक्ट्रॉन साइडवाइज रिपल्शन क्यों करते हैं, ये कैसा सवाल है? नहीं सर, कैसे करें वो समझ नहीं आया. कैसे करते हैं? हाँ सर, वो साइडवाइज रिपल्शन हो रहा था ना एटम्स का. हाँ, मतलब इसे मैं वो साइडवाइज क्यों घूम? खुशी सुनो, मैं तुम्हें इतना बोलूंगा कि ये एक्चुअली जो तुम इमेजिन कर रही हो खुशी,
उससे बहुत ज्यादा आसान है। तुम ये मत सोचो कि सर इसके जो है इलेक्ट्रॉन ने इसको जो है वहां क्यों धक्का दिया। तुम ये सोचो कि इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो इसे हर डायरेक्शन में पुश कर रहा था। खुशी समझ रही हो, इसका जो है इलेक्ट्रॉन इसको लीनियरली ऐसे पुश कर रहा था। इस जो है पुश का एक कंपोनेंट बताओ, छोटा सा कंपोनेंट इस तरफ रहा होगा तो जहां इसको जगह मिली वहां पे घुमा दिया इसने। समझ रही हो कि नहीं? जहां जगह मिली वहां इसने इसको घुमा दिया। अब जैसे देखो, अगर मैं इसको हल्के से एंगल पे रखूं तो मुझे बताओ इस लाइन को ज्वाइन करोगी तो स्ट्रेट नहीं है ना। समझ रही हो ना? जब उसको ज्वाइन करोगी स्ट्रेट नहीं है तो इसका जो कंपोनेंट आएगा, ठीक है, उसका बताओ एक क्या होगा। एक ऐसे वर्टिकल तुम्हारी तरफ रहेगा तो एक ऐसा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी रहेगा ना। अच्छा, जब ये बीच में आ जाएगा गाइस, बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में आ गया। देखो भाई गाइस, तो अब बताओ मुझे कि अगर मैं इसके ऊपर अब मैं इस ग्रीन वाले के ऊपर, दोनों ही ग्रीन है वैसे तो, अब मैं इस ग्रीन वाले पे स्ट्रेन देखूं तो वो स्ट्रेन अब क्या है बताओ, ज्यादा या कम? ज्यादा कम जीरो क्या है बताओ सर? लेफ्ट वाइट येलो साइड से ज्यादा। अच्छा, व्हाट इफ आई से दैट ये एक्चुअली क्लोज टू जीरो होगा कहीं ना कहीं? क्यों? क्योंकि देखो खुशी, एक्चुअली इस ग्रीन वाले इलेक्ट्रॉन को सब लोग रिपेल कर रहे हैं। खुशी देखो, ये पीछे का ऑरेंज वाला भी कर रहा है कि नहीं खुशी? हाँ सर। ये वाला व्हाइट वाला भी कर रहा है पीछे का, है? हाँ। ये वाला व्हाइट वाला भी कर रहा है खुशी, देखो ये वाला, देखो मेरा फिंगर दिख रहा है तुम्हें? हाँ सर। ठीक है, तो इन इन तीनों के रिपल्शन में खुशी एक चीज बताओ कि सबसे सबसे कम रिपल्शन कौन सा कर रहा है बताओ इन तीनों में से? सर वो लेफ्ट वाला, ये वाला ऑरेंज वाला वन, ये वाला व्हाइट वाला टू और ये वाला व्हाइट वाला थ्री। हाँ, कौन कर रहा है सबसे 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 कम रिपल्शन कौन कर रहा है? टू कर रहा है, राइट, क्योंकि टू इससे सबसे दूर है कि नहीं? अच्छा, अब इस ऑरेंज का और इस व्हाइट का इफेक्ट इस ग्रीन में बताओ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कैंसिल हो, सबको दिख रहा है क्या ये बताओ? क्यों भाई आयुष, पीछे के ऑरेंज वाले का और पीछे के व्हाइट वाले का इफेक्ट इस ग्रीन पे कैंसिल होता हुआ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? लेकिन ऑरेंज के पास जाता है उनका सेम इफेक्ट क्यों होगा? नहीं होगा। हां सर, सेम इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए मैंने बोला ये बिल्कुल सही बात है, इफेक्ट सेम नहीं होगा। वो इस पर डिपेंड करेगा कि इन दोनों की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कितनी किसके पास है, राइट? ठीक है प्रतीक्षा? हां सर। तो मुझे बताओ कि 0 डिग्री इस एंगल से लेके, ठीक है, नेक्स्ट 0 डिग्री के बीच में एक एक एंगल ऐसा आएगा कि नहीं आएगा प्रतीक्षा? पक्का जब जीरो होगा? एंटी वाला नहीं, एंटी नहीं, मतलब एक एक ना एक एंगल ऐसा आएगा जब पक्का जीरो उसका इफेक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ? हाँ सर, एक आएगा, मतलब एक आएगा। मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि हर एक पार्शियली इक्लिप्स पोजीशन पे टॉर्शनल स्ट्रेन हाई होता है और हर एक स्टैगर्ड पोजीशन पे हमेशा एक ऐसी चीज आती है जब टॉर्शनल स्ट्रेन मिनिमा पे आ जाता है, फिर वापस वो इंक्रीज करता है ना बताओ, जब डायहेड्रल एंगल कम होना शुरू होगा तो बोलो। yes, है तो ये बताओ ये एक्चुअली अप डाउन स्विंग में है कि नहीं बताओ? हां सर। तो ठीक है, एंगल परफेक्टली 60 पे नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, जिस किसी एंगल पे रहेगा लगभग हम उसको मान लेंगे अपना गॉस फॉर्म, ठीक है, चलता है भाई। ठीक है बोलो। जी सर। यस यस सर। क्या तुम लोगों को स्टैंडर्ड पसंद नहीं आया क्या? ये क्या चलता है अगले बार आया। एफ कॉस 30 डिग्री कहाँ है? व्हाई आर द फोर्सेस कैंसलिंग? मैथमेटिकल मॉडल दिखाइए। डोंट एक्सपेक्ट दैट। जो सुन रहा हो सुन लो चुपचाप, कोई बकवास नहीं करने का। समझा क्या भैया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब
रहा वंडरवॉल स्ट्रेन, ओके। इतनी देर जो है मेरा कैमरा दिखाने का आदत नहीं है आज। वंडरवॉल स्ट्रेन जो है एक्चुअली सबसे आसान है। वो क्या है कि ये इस, अच्छा मुझे है ना बहुत सारे लोग देखो ऐसे पूछते हैं कि सर आपने ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड क्यों लिया, व्हाई दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड, क्यों शिवीन, व्हाई नॉट दिस बॉन्ड एंड दिस बॉन्ड। सर क्या मतलब, मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर आपने ग्रीन वाले बॉन्ड और ऑरेंज वाले बॉन्ड के रिपल्शन को क्यों लिया इतना दूर दूर, आप ग्रीन बॉन्ड और ये व्हाइट बॉन्ड लो, आप ग्रीन बॉन्ड ये वाला ग्रीन बॉन्ड और इसके बगल वाला व्हाइट बॉन्ड लो, यहाँ पे रिपल्शन नहीं है क्या सर? बट वो तो एक्चुअली मतलब तुम्हें चीज इसका आंसर तुम्हारे पास में होना चाहिए कि यहाँ पे जो रिपल्शन है ग्रीन और व्हाइट और ये ग्रीन और व्हाइट, जब स्टूपिड सवाल कोई पूछ रहा है तो बोलो भाई सेम एटम के जो चारों इलेक्ट्रॉन्स पेयर हैं उनके बीच के रिपल्शन को तो हम हाइब्रिडाइजेशन और वीएसीपीआर में एडजस्ट कर चुके हैं ना बच्चों, बोलो है कि नहीं? यस सर। दैट इज द रीजन फॉर बॉन्ड एंगल, तभी तो एंगल बना हुआ है कोई ना कोई, बोलो है कि नहीं? यस सर। हां सर, वो जो बॉन्डिंग वाला है वो तो हमेशा सेम ही रहेगा ना, वो स्ट्रेन तो मतलब उसमें स्ट्रेन नहीं है, वो तो खैर ये तो भाई इसने इसको ज्यादा रिपेल किया तो इसका एंगल जो है वो थोड़ा कम हो गया उस तरफ, तो अपने हाँ, सर, जितना भी रिपेल कर रहा है बट वो इक्वली होगा ना हर कंफर्म में, तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ एक्चुअली वो मतलब मैं तो भाई बोल रहा हूँ कि ये बात भी सही है कि वो एक्चुअली एंगल जो है वो हर कंफर्मर में सेम है, वो हर कंफर्मर में सेम इसलिए है बिकॉज ठीक है ये सब रिपल्शन इतने ज्यादा है कि इन लोगों ने अपना एक ओरिएंटेशन लॉक कर दिया है, ठीक है। अब ये ऐसे ऐसे चेंज नहीं करते हैं अपना एंगल, दीज रिपल्शंस आर सो हाई है कि इसी की वजह से एक फिक्स बॉन्ड एंगल बन जाता है हमेशा, समझ रहे हो ना, एक फिक्स बॉन्ड एंगल बन जाता है। ये सब रिपल्शंस क्या है, ये थोड़े कम होते हैं, इसलिए क्या है मॉलिक्यूल कभी कभी घूमते घूमते सामने आ जाता है, फिर उसको लाइज होता है खराब हो गया, फिर वापस कम करता है वापस सामने आ जाता है एंड सो ऑन। वैसे ही वंडरवॉल रिपल्शन क्या है, सुनो इस ग्रीन एटम और इस ऑरेंज एटम के बीच में एटम और एटम के बीच में एक्चुअली एक रिपल्शन है, एंड दीज टू डोंट लाइक ईच अदर। ये ग्रीन एटम इस ऑरेंज एटम को पसंद नहीं है, ये ऑरेंज एटम इस ग्रीन एटम को पसंद नहीं है, व्हाई? ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है, क्योंकि इनके बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। जैसे देखो इसके और इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तभी तो क्या बॉन्ड बनाया, बताओ सिग्मा बॉन्ड बनाया है, राइट? इसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है तभी यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड है। तो किसी भी दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में हमेशा वंडरवॉल रिपल्शन एक क्लोज डिस्टेंस पे, ये बात समझ में आ रही है? सर आप लैग हो गए थे, आपने क्या बोला? हाँ सर आप एक सेकंड ले, लैग हो गया सर। लैग हो गया आर यू किडिंग मी सर? अब सही है, अब सही है। हाँ सर जस्ट एक सेकंड के लिए लैग हुआ था। अभी मैं जो है कंप्लेन डाल दूं, ऐसा तुमने मजाक कर दिया है। नहीं अच्छी, ठीक है, सब कुछ ठीक है। स्पीड देख रहे हो तुम? अच्छा और क्या होता है भैया, मेरे को तो इतना ही पता है यार। मैं तो खाली चलो शो ऑफ कर रहा था, बता रहा था ऐसा मेरे इंटरनेट पे सवाल उठाए, लेकिन सभी लोगों को तो फिर सही बात है, मेरे नेट पे सवाल उठाए पहले अपने इंटरनेट देख लो, ठीक है? सॉरी सर, फाइबर ही है सर, 12-13 तो होता नहीं मेरा कभी। क्या चीज, क्या बोल रहे हो?
सर मेरा तो 12-13 से कभी हो जाता है, इतना अनस्टेबल है। नहीं मेरा खुद बहुत अनस्टेबल था पुराने वाले, मेरे कॉल के बीच में डिवाइस इंटरनेट से डिस्कनेक्ट हो जाता है अपने आप। नहीं नहीं वो मैंने तो रनिंग आई हैव एंजॉयिंग थ्री काइंड ऑफ ब्रॉडबैंड नेटवर्क्स इन माय होम राइट नाउ, कि मेरा ऑनलाइन क्लास ना जाए भाई प्लीज। तो वो तो खैर, ये तो खैर अभी भी लगवाया है जस्ट 2 days बैक। यस सर, थैंक यू। देखो सर एक अच्छा कैमरा भी ले लीजिए और फिर सर 1080p में जीबी सर को देखेंगे। नहीं तो तुम्हारा बैंडविड्थ तो देख लो तुम ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे, मैं तो ले लेगा भैया। ओके सर, ये तू अपना बैंडविड्थ पहले इंप्रूव करवाओ फिर कैमरा लेते हैं। देखो वंडरवॉल स्ट्रेन में क्या है, जब जब ये दोनों ग्रीन और ऑरेंज ठीक है एक एक जो है दूसरे को एक दूसरे के मुंह के सामने आते हैं ठीक है एक दूसरे के मुंह के सामने आते हैं ठीक है, तो इनके बीच में क्या है हल्का सा रिपल्शन होता है ऐसे ऐसे कैसे देखो ऐसे हल्का सा इधर ये। अब बोलने को ही बोल सकता है कि सर एक मिनट ये जो रिपल्शन हुआ इसको तो हम एक तरह से किस में डाल सकते हैं बताओ, एंगल एंगल में ठीक है। लेकिन मैं फिर यहां पे तुम्हें डिफरेंशिएट करूंगा कि एंगल स्ट्रेन को एंगल स्ट्रेन बोलने के लिए द डिस्टॉर्शन दैट इज नीडेड इज एक्चुअली वेरी हाई, तब हम उसे एंगल स्ट्रेन में डालते हैं। ये जो छोटे मोटे इधर उधर का हल्का हल्का जो ऐसा ऐसा रिपल्शन हो जाता है थोड़ा थोड़ा, ये जो हल्का हल्का ठीक है बॉन्ड एंगल चेंज होने वाले जो ऐसे रिपल्शन हो जाते हैं ऐसे, इन सबको हम किस में डालते हैं वंडरवॉल स्ट्रेन में। तो ये जो इन दोनों के बीच में जो रिपल्शन कॉज हो रहा है जिससे जो दोनों एक दूसरे से अवे दूर हो रहे हैं ऐसे ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग वंडरवॉल स्ट्रेन। तो मैंने लास्ट में क्या सेंटेंस बोला मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बाद में, जैसे देखो ये ग्रीन और ये वाला एटम बॉन्डेड है, ये एटम और ये ब्लैक वाला एटम बॉन्डेड है ठीक है, ये और ऑरेंज बॉन्डेड है, लेकिन ग्रीन और ऑरेंज किसी भी दो नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच में इतने क्लोज डिस्टेंस पे जो फोर्स होगा वो क्या होगा रिपल्सिव फोर्स होगा, उसे हम क्या बोलते हैं वंडरवॉल रिपल्शन बोलते हैं। समझ रहे हो क्या? यस सर। और ये बताओ मुझे अब ये फोर्स कब मैक्सिमम होगा बताओ? Eclipse में मैक्सिमम होगा। इसका मतलब हमने देखो क्या क्या सीखा बताओ कि वंडरवॉल स्ट्रेन कब मैक्सिमम होता है फुल एक्लिप्स में और ज्यादा होगा, सही बात है। टॉर्शनल स्ट्रेन कब मैक्सिमम होता है? सो स्टैगर्ड। अरे नहीं, एक्लिप्स में फुल्ली एक्लिप्स। इनफैक्ट सुनो फुल्ली एक्लिप्स में ठीक है फुल्ली एक्लिप्स में और एक्लिप्स में नॉर्मल एक्लिप्स में मतलब पार्शली एक्लिप्स में किस में ज्यादा डिफरेंस आएगा, वंडरवॉल स्ट्रेन में कि टॉर्शनल स्ट्रेन में? वंडरवॉल स्ट्रेन। चाहे तो मेरा सवाल समझे नहीं, मैं बोल रहा हूं ये एक्चुअली देखो दिस थिंग इज वंडरवॉल स्ट्रेन। सुनो दिस थिंग इज फुल्ली इक्लिप्स्ड राइट, दिस थिंग इज पार्शली इक्लिप्स्ड ठीक है। तो टॉर्शनल स्ट्रेन और वंडरवॉल स्ट्रेन कौन सा स्ट्रेन जो है इन दोनों में लगभग लगभग सेम है? टॉर्शनल। और बोलो भाई और कोई? क्यों संचय आदित्य टॉर्शनल रहेगा ना? ओके क्योंकि अगर मैं वहां पे बीआर डाल दूंगा और फुल एक्लिप्स में कर दूंगा। नहीं सर सॉरी वंडरवॉल होगा क्योंकि मतलब स्ट्रेन तो तभी ही रहेगा ना सर, बट अगर मैं बीआर डालूंगा तो बहुत ज्यादा रिपेल नहीं करेगा? अच्छा देखो एक बात तो तय है, कौन सा स्ट्रेन डेफिनेटली काफी डिफरेंस क्रिएट करेगा, वंडरवॉल की टॉर्शनल? तो वैसे बताओ कौन सा स्ट्रेन टॉर्शनल। हाँ हाँ दिलाई बोलो कौन सा
बोलो नीले, बोलो बोलो। हाँ सर, टॉर्शनल स्ट्रेन ही वही। टॉर्शनल स्ट्रेन क्या होगा, काफी डिफरेंट होगा कि काफी सेम होगा? काफी डिफरेंट होगा, बड़ा डिफरेंस। बड़ा डिफरेंस होगा टॉर्शनल में। ठीक, अच्छा देखो गाइस, मैं यहाँ पे तुम्हें तुमसे एक चीज पूछता हूँ। देखो देखो, मान लो ये जो ग्रुप है ग्रीन वाला, ये CH3 है। क्या है ये? CH3 है। ठीक है, तो आई एम एक्चुअली पुटिंग दिस अरेंजमेंट, ये एक सिग्मा बॉन्ड, देखो इसके ऊपर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, ठीक है, और इसके ऊपर फिर तीन हाइड्रोजन। मेरे पास में एक्चुअली एटम खत्म हो जाएंगे इस तरह करते करते, तो जो भी सामान है मैं इसको एक्चुअली यूज कर रहा हूं। ठीक है, दिस इज CH3 ग्रुप। और मान लो ये ऑरेंज वाला जो है, ये भी एक्चुअली एक CH3 है। अगेन दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड उसके ऊपर एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। होल्ड ऑन और इसके ऊपर तीन एटम्स। ठीक है, नाउ यू आर, देखो नाउ मेनी पीपल मिस जस्ट समथिंग। देखो मैंने यहां पे जो CH3 लगाया, सुनो इसका बताओ, एक एटम से एक सी पे HHH लगाने से सडनली बताओ क्या हो गया? इसका वंडरवॉल रेडियस बड़ा होगा कि नहीं बड़ा होगा बताओ? लेकिन सुनो, ये जो CC बॉन्ड का जो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क कितना पड़ेगा भाई? ये तो इलेक्ट्रॉन डिपेंड करेगा ना, कौन खींच रहा है कितना, कौन दूर कर रहा है इससे। जस्ट इसके बड़ा होने से यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होगा, लेकिन ये चीज बहुत ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगी। तो आज अगर मैं इसको फुल्ली इक्लिप्स पे रखता हूँ, ऐसे समझ रहे हो गाइस, इसको अगर ऐसे रखता हूँ तो द सिचुएशन इज एक्चुअली वेरी वेरी बैड। इट इज एक्चुअली वेरी बैड गाइज, समझ रहे हो बच्चों? इनके बीच में इतना ज्यादा क्लोजनेस है, इतना ज्यादा क्लोजनेस है। दिस इज एक्चुअली ब्यूटेन, ब्यूटेन 1 2 3 4 ब्यूटेन है। इसमें इतनी ज्यादा क्लोजनेस है, तो बताओ इससे ज्यादा बेटर ये नहीं है कि कम से कम एक CH3 के बगल में क्या रखो बताओ? एच। दूसरे CH3 के बगल में क्या रखो बताओ? एच। बोले समझ में आ रहा है क्या? यस सर, यस सर। सर जो टॉर्सनल वाला है, वो तो वो दोनों आगे और पीछे वालों पे लग रहा है ना अलग अलग से? नहीं नहीं सुनो, टॉर्सनल वाला सब पे लग रहा है प्रतीक्षा, तीनों बॉन्ड पेयर में टॉर्शनल लग रहा है। टॉर्शनल वाला तो देखो बेसिकली इस पे लग रहा है, मेरी बात सुनो प्रतीक्षा, इस पे लग रहा है। तो ये तीनों, ये टोटल 6 बॉन्ड पेयर एक दूसरे को रिपेल करके क्या कर रहे हैं बताओ? बीच वाले की लगा रहे हैं, सब मिलके लगा रहे हैं। तो टॉर्शनल स्ट्रेन हर इक्लिप्सिंग पोजिशन पे लगता है, लेकिन वंडरवॉल स्ट्रेन तभी लगता है जब ग्रुप्स क्या हो, दोनों थोड़े क्या हो, बल्कि। इसलिए ऐसा होता है, तुम्हें सेंटेंस लिखा हुआ याद है, दैट इथेन में, इथेन इज द ओनली मॉलिक्यूल जिसके अंदर एक स्ट्रेन बिल्कुल गायब हो जाता है। टॉर्शनल और वंडरवॉल में से कौन सा स्ट्रेन गायब हो जाता है? नोट्स में लिखा हुआ है। सबको थोड़ा बहुत समझ में आया, अगर तुम्हें इतना समझ में आ गया तो यू हैव फेयर एनफ आइडिया कि हम लोग आगे क्या करने वाले हैं गाइस। ठीक है, तो कंफर्मेशन एनालिसिस ऑफ इथेन देखो भाई। सर तो उसका आंसर क्या था कि सेम कौन से रहेंगे? ऑलमोस्ट सेम रहेगा। टॉर्शनल में इतना फर्क नहीं आएगा, वंडरवॉल में बहुत फर्क आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वंडरवॉल सिर्फ साइज डिपेंडेंट फोर्स है और टॉर्शनल उस सिग्मा बॉन्ड्स के बीच का फोर्स है, वंडरवॉल ऊपर के साइज के बीच का फोर्स है। समझ रहे हो गया? डिफरेंस टॉर्शनल में भी आएगा ना? नहीं आएगा तो सिर्फ डिफरेंस टॉर्शनल में, ये बात है, लेकिन इतना नहीं आएगा। सर
सर आप क्या बोले, टॉर्शनल सिर्फ बीच के सिग्मा बॉन्ड पे डिपेंडेंट है? टॉर्शनल में सिर्फ इन दोनों के सिग्मा बॉन्ड का फर्क है ना भाई, ये दोनों जो सिग्मा बॉन्ड है ना इनके बीच का, देखो मेरी बात सुनो। अच्छा ऐसे देखते हैं, देखो प्रतीक्षा, सपोज ये इथेन है, प्रतीक्षा इथेन में हमारे पास में ये इक्लिप्सिंग पोजिशन है, बोलो। यस सर। इसे बताओ कौन सा स्ट्रेन, कौन कौन से स्ट्रेन है, एंगल स्ट्रेन है क्या? नहीं, एंगल स्ट्रेन सिर्फ तब आता है जब 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 ना कंपाउंड कैसा हो, क्लोज चेन हो और 3, 4, 5 मेंबर्ड हो, समझ रहे हो ना? ओपन चेन में एंगल स्ट्रेन आता ही नहीं है प्रतीक्षा, ठीक है? यस सर। अच्छा इसके अंदर, इसके अंदर वंडर वॉल स्ट्रेन है क्या बताओ? नहीं सर, सब सेम है। नहीं 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 नहीं, सेम की बात नहीं है। जब दोनों ग्रुप्स हाइड्रोजन हो तो द साइज ऑफ हाइड्रोजन इज सो लेस दैट इवन इन द इक्लिप्सिंग पोजीशन वैन डर वाल्स स्ट्रेन जो है वो ना के बराबर है। ओके सर। मतलब दोनों में से एटलीस्ट एक ग्रुप को क्या होना पड़ेगा बताओ, इतना बड़ा होना पड़ेगा प्रतीक्षा, तब इसमें ये स्ट्रेन लगना शुरू होगा। कौन सा स्ट्रेन? वंडरवॉल स्ट्रेन। लेकिन इवन विद दिस इथेन, इसमें कौन सा स्ट्रेन अभी भी है एक्लिप्सिंग में बताओ? टॉर्शनल स्ट्रेन अभी भी है ना भाई। तो साइज बहुत छोटा कर दिया तब भी टॉर्शनल स्ट्रेन सिग्मा बॉन्ड वाला तो लग रहा है ना भाई। हाँ सर। तो मैं तुम्हें वही तो समझा रहा हूँ भाई, दोनों ग्रुप अगर बल्कि हैं और आमने सामने फुल्ली एक्लिप्स में हैं और तुमने उसको गॉश फॉर्म में कर दिया, ठीक है, अगर तुमने उसे गॉश फॉर्म में कर दिया तो भाई टॉर्शनल स्ट्रेन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा ना, वो तो हर सिग्मा बॉन्ड के बीच में लगता है ना। हाँ सर। समझ गई क्या? यस सर, समझ गया। चलो आगे देखो। चलो वो इतना वर्थ इट नहीं है यार, उसके बाद अपन पूरा पीरियड अपन लगा दें एक ही बात को रिपीट करते करते। सबको इथेन के ये फॉर्म समझ में आए, 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री, सही बात है? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा नीचे ये 0 डिग्री पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, सबको दिख रहा है? 0 डिग्री को ऑब्जर्व करो, पोटेंशियल एनर्जी को ऑब्जर्व करो। तो ये जो 2.9 किलो कैलोरी पर मोल लिखा है, ये वैल्यू 2.9 किसकी वजह से आ रही है बताओ गाइस मुझे? टॉर्शनल। टॉर्शनल। सबको समझ में आ रहा है? यस सर। टॉर्शनल स्ट्रेन इज द रीजन व्हाई दिस गैप इज 2.9, ठीक है? 60 डिग्री पे ये गैप मिनिमम हुआ, 120 पे वापस बढ़ गया, फिर 180 पे वापस से कम हुआ, एंड सो ऑन, सही है? तो नीचे डेफिनेशन लिखा है, देखो, व्हाट इज अ कंफर्मेशनल आइसोमर? दोज कंफर्मेशंस व्हिच लाई एट एनर्जी मिनिमा, वेदर ग्लोबल और लोकल, आर नोन एज कंफर्मेशनल आइसोमर्स। तो आउट ऑफ ऑल दीज इनफाइनाइट आइसोमर्स जो कि यहां बन रहे हैं, इनफाइनाइट आइसोमर्स जो कि यहां बन रहे हैं, ठीक है, इन इनफाइनाइट कंफर्मेशंस, देखो दीज इनफाइनाइट एंगल्स आर एक्चुअली कॉल्ड कंफर्मेशंस, नॉट आइसोमर्स, कंफर्मेशन, सिंपली कंफर्मेशंस। लेकिन अगर मैं कंफर्मेशनल आइसोमर की बात कर रहा हूं तो आइसोमर वर्ड इज यूज्ड फॉर दोज कंफर्मेशंस जिनका स्टेबिलिटी थोड़ा ठीक ठाक हो, थोड़ा ठीक ठाक स्टेबिलिटी हो, समझ रहे हो? तो इसमें थोड़ा ठीक ठाक स्टेबिलिटी किस किस का है बताओ? सेकंड का, फोर्थ का और सिक्स्थ का है कि नहीं? यस सर। यस सर। नंबर ऑफ कंफर्मेशंस ऑफ इथेन आर इनफाइनाइट, ठीक है, बट नंबर ऑफ कंफर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ इथेन आर, यहां पे 3 काट के 1 लिखो, 2 होना चाहिए। नहीं 2 क्यों भाई, 1 सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ तीनों आइडेंटिकली तो हैं, देखो ना सबने। तो 1, 3, 5 एंड 2, 4, 6 नहीं, 1, 3, 5 तो मैक्सिमा है ना बेटा, कंफर्मेशन आइसोमर्स कहाँ है? अभी तो ऊपर डेफिनेशन लिखा है मिनिमा होना चाहिए। ओनली मिनिमा, ओके।
वो तो सबसे खराब कन्फर्मेशन है आउट ऑफ ऑल कन्फर्मेशन. 1-3-5 से अच्छा तो जो नीचे वाले जो हैं स्लोप पे वही ले लेते हैं ना भाई, फिर इससे अच्छा तो. यस सर. इस 3 को काट के 1 करने का है, समझा कि नहीं समझा? यस सर. यस सर. ठीक है. कंफर्मेशन एनर्जी, द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन इज टर्मड एज कंफर्मेशन एनर्जी. All conformational isomers of ethane are identical. इसलिए उसका आंसर 1 है. समझे क्या? ओके मैं. यस सर. वंडरवॉल स्ट्रेन इज एब्सेंट इवन इन इक्लिप्स कन्फर्मेशन ऑफ इथेन. ये पॉइंट याद रखने का है बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल साइज ऑफ हाइड्रोजन. लेकिन अभी भी टॉर्शनल एब्सेंट नहीं है. ये क्लियर है? Yes, sir. ओके. इक्लिप्स फॉर्म ऑफ इथेन इज मेनली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ टॉर्शनल. टॉर्शनल. स्क्यू कंफर्मेशंस. कंफर्मेशंस अदर देन इक्लिप्स एंड स्टैगर्ड आर टर्म्ड एज स्क्यू कंफर्मेशंस. ठीक है. प्रोपेन. प्रोपेन. तो प्रोपेन में देखो ये 3 तो हाइड्रोजन ही है, इसमें भी 2 हाइड्रोजन है. यहां पे एक जगह क्या लग जाएगा बच्चों? ये ग्रुप मिथाइल. बोलो सही है? यस सर. यस सर. अच्छा अब यहां पे जब मैंने हाइड्रोजन लगा दिया प्रोपेन, सुनो भाई, तो चाहे मैं सुनो चाहे मैं इस सीसी बॉन्ड के अराउंड कंफर्मेशन बनाऊं या मैं इस सीसी बॉन्ड के अराउंड कंफर्मेशन बनाऊं. थोड़ा बॉन्ड का लेंथ अनइक्वल हो गया था, आई एम सॉरी. या मैं इस सीसी बॉन्ड के अराउंड कंफर्मेशन बनाऊं, बताओ सेम बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ. यस सर. सपोज मैंने इस सीसी बॉन्ड, ठीक है, इस सीसी बॉन्ड के अराउंड बनाया, तो गाइज देखो ये इसका 0 डिग्री है. बोलो है? यस सर. ये इसका 60 डिग्री गॉश फॉर्म है कि नहीं? यस सर. सर गॉश तो नहीं होगा ना? हाँ गॉश के लिए 2 डिफरेंट. हाँ गॉश तो है ही नहीं इसमें. तो इसकी एक्चुअली देखो खास बात क्या है कि इसमें भी देखो अगर सपोज मैं इसको 60 डिग्री पे रखता और मैं इसे सपोज 180 डिग्री पे रखता, देखो नीचे जाके नीचे एकदम एग्जैक्टली, तो इस 180 डिग्री को अगर मैं पूरे मॉलिक्यूल को ऐसे घुमा दूं तो बताओ सेम सेम चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ. यस सर. हाँ सर सेम चीज हो जाएगी ना? बताओ. इसलिए इसके अंदर भी सबसे जो है पहली बात ये टू टेल मी दिस कि इसके अंदर भी तीनों कंफर्मेशंस आइडेंटिकल हैं कि नहीं बच्चों? यस सर. यस सर. आइडेंटिकल हैं. तो इसलिए इसका ग्राफ देखने में एक्चुअली बिल्कुल बिल्कुल कैसा लग रहा है? छोटा सा करेक्शन है. 1=3=5 है, लेस देन 2=4=6 होगा. इसको ठीक कर लो. सबने लिखा? यस सर. 1=3=5 इज लेस देन 2=4=6. सबने लिखा? यस सर. यस सर. इसमें भी वो 2.9 ही है. नहीं अब अगर कोई हमने से अगर गूगल करता, तुम अगर गूगल करके ढूंढते तुम्हें समझ में आ जाता कि वैल्यू बड़ी होगी कि छोटी होगी, तुम बताओ? सर बड़ी. सर बड़ी होनी चाहिए. बड़ी होनी चाहिए. क्यों बड़ी होनी चाहिए? इसलिए वो वैल्यू बड़ी है.
सही है गाइज। तो ये हमें यहाँ पे समझना है कि दोनों का ग्राफ दिखने में एक जैसा है, बिल्कुल आइडेंटिकल है दिखने में, लेकिन जो इसके बीच का जो गैप है, ये गैप जो है इसका हाइट अलग अलग है, बिकॉज इसमें 3.4 के कैल पर मोल कितना है, 3.4 किलो कैलोरी पर मोल, और वहां पे कितना था, 2.9 3.4। ठीक है, तुम यहां वैल्यू 3.4 लिख सकते हो। नंबर ऑफ कंफर्मेशंस, नंबर ऑफ कंफर्मेशन आइसोमर यहां पे कितने होंगे, 1। ये 3 काट के 1 करो जरा। सर सही तो लिखा, ऑल आर आइडेंटिकल, तो 1 ही होगा। अब 3 क्यों लिखा है इसमें, बेवकूफ ने। हां 1 होगा, मैं बिल्कुल सही। सर आगे भी शायद लिखा है एक और जगह पे, यही ऐसे ही छोटे मोटे डाउट्स हैं। हां हां इसको ठीक कर देंगे अभी। सबने नोट किया? यस यस सर। इक्लिप्स कंफर्मेशन ऑफ प्रोपेन इज मेनली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ both A and B, both A and B, personal and wonderful. So conformation analysis of butane. So guys, butane mein main tumhe bas itna bolunga, butane mein ये मेरा ब्यूटेन है गाइस, सबको दिख रहा है? नहीं? यस सर। यस सर। अब गाइस इस ब्यूटेन में आई हैव, एक सेकंड, ओह माय गॉड, सब जगह से तो एटम ही गिर रहे हैं। तो इस ब्यूटेन में मेरे पास में कितने तरह के, देखो सीसी बॉन्ड्स हैं, 1 देखो, ये देखो, फिर 2 ये देखो, और फिर 3 ये वाला। सर 1 और 3 तो, सर 1 और 3 तो आइडेंटिकल है ना, 1 और 3 आइडेंटिकल है। तो मैं बताओ, जब कंफर्मेशन स्टडी करूंगा तो मैं दो तरह के कंफर्मेशन स्टडी कर सकता हूँ। एक C1 C2 के बीच में इतने सारे एटम हो गए हैं एक्चुअली, देखो एक C1 C2 के बीच में मैं एक्चुअली बॉन्ड का रोटेशन स्टडी करूं, दैट मींस बताए क्या, इसको मैं ऐसे रखूं और मैं इस पूरे, देखो गाइस मैं इस पूरे इथाइल ग्रुप को, इसको देखो, ये देखो ये एक्चुअली पूरा इथाइल ग्रुप है, मैं इस पूरे इथाइल ग्रुप को इसके अबाउट घुमाऊं। बोलो समझ में आ रहा है ये? यस सर। तो बताओ जब मैं इस पूरे इथाइल ग्रुप को इसके अबाउट घुमाऊंगा तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा बताओ? ठीक वैसा ही बनेगा जैसा, तो ओरिएंटेशन ऑफ C4 पे डिपेंड करेगा। नहीं नहीं प्रोपेन जैसा ही बनेगा भाई, इसका जो ग्राफ है अगर मैं इसको पूरे को एक को इथाइल ग्रुप ले लूंगा और इसको ऐसे रखूंगा, ठीक है, तो इसका ग्राफ बताओ प्रोपेन जैसा बनेगा, प्रोपेन जैसा ग्राफ, इथेन और प्रोपेन जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? यस सर। यस सर। बस फर्क फिर क्या होगा बताओ, हाइट में आ जाएगा। हां सर, दैट इज नॉट अ वेरी डिफरेंट थिंग। अच्छा, अब अगर मैंने C2 C3 के लिए लिया तो गाइज यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग आएगा पहली बार, समझ रहे हो ना? यस सर। यहाँ पे मेरे पास में क्या आ जाएगा बच्चों, कि यहाँ पे मेरे पास में एक्चुअली कुछ ऐसा आ जाएगा कि अब यहाँ पे मेरे पास में गॉश और इक्लिप्स और ये सब चीजें जो है काम आएंगी। बोलो सही है? यस सर। ये चीज फुल्ली इक्लिप्स्ड है कि नहीं? यस। ये चीज गॉश है? गॉश। यस सर। और ये चीज फुल्ली एंटी। तो अब यहां पे बताओ मुझे, इसके इक्लिप्स फॉर्म में कौन कौन से स्ट्रेन हैं? सर वंडरवॉल तीनों हैं, बट वंडरवॉल बहुत तो नहीं है, एंगल नहीं होता बच्चों। सर एंगल एंड टॉर्शनल, वंडरवॉल एंड टॉर्शनल, वंडरवॉल एंड टॉर्शनल, ठीक है। अब मैंने जब इसको गॉश में कन्वर्ट किया, ठीक है, तो बताओ कौन सा स्ट्रेन गायब हो गया बताओ?
टॉर्शनल गायब हुआ है में। सुनो सुनो सुनो, वंडरवॉल कम हो गया है, गायब नहीं हुआ है, बिकॉज आज भी इनके बीच में देखो कुछ ना कुछ इंटरेक्शन है। तो कैन यू फील, जब तुमने यहां से शुरू किया तो वंडरवॉल बहुत ज्यादा था, तो थ्रू आउट दिस मोशन वंडरवॉल लगातार कम होता जा रहा है इनके बीच में, लेकिन ऐसे जीरो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो गौश में क्या है कि वंडरवॉल थोड़ा बहुत है लेकिन टॉर्शनल काफी कुछ जीरो हो गया है। जब तुम वापस से पार्शली इक्लिप्स में आए हो गाइस, तो बताओ अब इसमें कौन कौन सा स्ट्रेन है? टॉर्शनल तो है और वंडरवॉल भी है। वंडरवॉल भी थोड़ा कम हो गया है। वंडरवॉल एक्चुअली पहले बहुत कम हो गया, पुलिस से थोड़ा कम हो गया, बहुत कम हो गया। ठीक है, और अब जब तुम एकदम एंटी पे आ गए हो तो बताओ टॉर्शनल भी जीरो है और वंडरवॉल भी जीरो है कि नहीं, बताओ? यस सर। यस सर। तो तुम्हें इसलिए इसके नीचे के जो ग्राफ का शेप है, आई गेस तुम्हें ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्यों ऐसा हो गया। सर वो गलत बनाया शायद से उसने। हाँ वो गलत बनाया है, इसमें एक्चुअली एक चीज हमें सही करनी है। तो फिर से बताओ स्टेबिलिटी में, एक तो बताओ अब यहाँ पे कंफर्मेशनल आइसोमर्स कितने हैं? कंफर्मेशनल आइसोमर्स कितने हैं भाई? एक। अरे क्या बात कर रहे हो? सर सॉरी, दो। तो नालायक हो यार। सर दो आइडेंटिकल। सर एंटी और दो स्टैगर्ड। सर दो गॉश और एक एंटी। अब गॉश दो क्यों है? वो एक भी काउंट हो जाएगा, वो आइडेंटिकल होंगे। वही आइडेंटिकल नहीं है, ये गॉश और ये गॉश आइडेंटिकल नहीं है, देखो ध्यान से ना पार्थ। मिरर इमेजेस हैं और ऑप्टिकली अब तक वो आइडेंटिकल बन जा रहे थे ना पार्थ। हाँ सर, पहली बार ही आइडेंटिकल नहीं है। ओके अच्छा, यहाँ पे क्या कुछ गलती है, कुछ ठीक करना है क्या? सबसे स्टेबल कौन है इन सब में से? फुल्ली ये एंटी है कि नहीं? एंटी। एंटी फोर्थ सही है। इसके बाद में नेक्स्ट टेबल कौन है बताओ? रहेगा तो वो गोश। दोनों गोश। दोनों गोश। टू और फोर, ये टू इक्वल टू होगा, ध्यान से कर लेना अच्छे से। ठीक है, यस महक, ओके सही है सर पूरा। उसके बाद में सही है, सब सही है ना? हाँ सर। Two and six are conformational enantiomers, or 3 and 5 are conformational enantiomers. वैसे ऐसे actually मतलब मैंने conformational isomer नहीं बोला है, conformational enantiomer है, conformation है simple बस। अब इस ग्राफ में क्लियरली समझ में आ रहा है, बताओ ये ग्राफ इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा? बोलो। यस सर। यस सर। यस सर। एक्चुअली ये वाला पार्ट इसका सही कर्व है, समझे क्या? सर मैंने दोनों बना दिए करें, जो सही होगा बाद में कट। हमने यही किया है, मैंने यही वाला। लेकिन आप एक बार फिर से बता सकते हो कि 2 से ज्यादा स्टेबल 3 क्यों नहीं है? 2 से ज्यादा स्टेबल 3 क्यों नहीं है ये बोल रहे हो ना? इसलिए नहीं है, देखो एक्चुअली बताओ 2 और 3 में, अच्छा सबने पहले नोट कर लिया क्या बताओ ये चीज? यस सर। आप ग्राफ देखो, ग्राफ ठीक है, चेंज कर लिया? यस सर। अच्छा तो अब 2 में क्या है, तरुण हमारे पास में 2 में एक्चुअली एक जो है अच्छी बात है, वो क्या है तरुण? टॉर्शनल स्ट्रेन क्या है, काफी कम है, राइट? और वंडरवॉल स्ट्रेन जो है, अगर मैं उसकी बात करूं तो वो एक्चुअली सिर्फ एक ही जगह है। कितनी जगह है? ठीक है, ओनली वन।
ये वाला है कि नहीं? बाकी सब जगह जो है ठीक है, अगर अगर मैं बोल दूं देखो इनमें तो है ही नहीं, एचएच में देखो इक्लिप्स में भी नहीं होता है ना भाई, सही है तो ना? अच्छा और थोड़ा बहुत जो इनके बीच में है ये एक्चुअली इतना कम है कि वो तो हमेशा ही रहेगा, वो कभी जीरो होगा ही नहीं ऐसे तो ठीक है। तो ओनली वन सी एच थ्री एंड सी एच थ्री वो भी कितने एंगल पे है बताओ, डायहेड्रल एंगल उसका कितना है 60 डिग्री है। और थ्री में क्या है मेरे पास में, पहले तो टॉर्शनल स्ट्रेन गया है कि नहीं बताओ, अब वंडरवॉल स्ट्रेन कितनी जगह है बताओ, दो जगह है, ये सी एच थ्री और इस एच के बीच में है, बोलो है कि नहीं, क्योंकि तुमने देखा था प्रोपेन में था वहां पे। हाँ सर। इस सी एच थ्री और एच की जगह में है, बोलो है कि नहीं। तो दो जगह वंडरवॉल स्ट्रेन है और वो भी इक्लिप्सिंग पोजीशन पे है, समझ रहे हो तरुण, एच और सी एच थ्री के बीच में। ठीक है सर समझ। तो इसलिए हम ये रूल आउट कर सकते हैं ना कि सारे पॉइंट्स ऐड किए जाएं तो थ्री थोड़ा कम स्टेबल होगा टू से, ठीक है सबको समझा गया भाई? यस सर। अच्छा उसने पूछ लिया भाई, नंबर ऑफ कंट्रीब्यूशन आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन इज थ्री। बाकी के सवाल देखो भाई, ड्रॉ द लीस्ट स्टेबल कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन। स्टैगर्ड फॉर्म में लीस्ट स्टेबल कौन सा कंफर्मेशन है? गॉश। लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड कंफर्मेशन ऑफ ब्यूटेन इज मेनली अनस्टेबल बिकॉज ऑफ गॉश। मेनली क्यों अनस्टेबल है? वंडरवॉल स्ट्रेन, वंडरवॉल स्ट्रेन, ये जो एक जगह जीरो हो जाता है इसकी वजह से थोड़ा सा अनस्टेबल है, ठीक है। अब बताओ सबसे स्टेबल इन सब में से कौन है गाइस, सब में से कौन है? एंटी। हिसाब से देखा जाए तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बताओ कि ब्यूटेन सारा का सारा किस में रहना चाहिए बताओ? एंटी। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली इसका डायपोल मोमेंट निकाला जो नीचे लिखा हुआ है, इट वाज फाउंड दैट दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। सर अगर मैंने टेम्परेचर बहुत लो कर दिया तब? सबको आवाज आ रही है भाई? यस यस सर यस सर। हाँ अरे मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो गया तो उसे वापस चार्ज करके स्विच ऑफ से ऑन करके वापस से ज्वाइन करना तो वर्थ इट शायद ना हो तुम लोगों के लिए, इट वाज नेवर सो इंटरेस्टिंग एनी मोर। तो काम की बात ये है कि हमारा थोड़ा सा लास्ट का पार्ट आई थिंक बचा होगा, दो चार पेज बचे होंगे, चार पांच पेज जो बचे हैं
हम वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तुम्हारा एक आर्ट ट्रैक टू का क्लास मैं लूंगा शायद कल या परसों में, जो भी है। और ट्रैक टू का पढ़ाएंगे या फिर ये? नहीं, ट्रैक टू का नहीं पढ़ाऊंगा, हम लोग ये करेंगे। ओके, ओके। मुझे बताओ कि सबसे पहले बहुत जरूरी है, सब लोगों ने प्रिंट आउट लिया कि नहीं लिया? हाँ सर, आज आ गया। हाँ सर, आज ही लिया। ले लिया सर। ओके, किस कौन जो है नहीं ले पाया? सर मैं सॉरी। हाँ, एक ही करके आशुतोष। हाँ बोलो सर। कल या परसों तक आ जाएगा? कल परसों तक आ जाएगा। यस सर। आशुतोष अगर, अच्छा अगर अगर वो स्टार्ट हुआ आशुतोष, तो अगर हमने कुछ पेजेस कंप्लीट किए तब तक तुम उसे फिर मैनेज करना, जब आ जाए प्रिंट आउट उसमें कॉपी करना फिर। यस कर लूंगा। अच्छा आशुतोष, और कौन? आर्यन नहीं ले पाया अभी? श्रीवास्तव? यस सर। मैं भी। क्या हुआ निलय, हो पाएगा क्या भाई? सर सर सॉरी, भूल गया। अरे भूलने वाला काम मत करो, कुछ और बहाना ही मारो। मेरा बिल्डिंग सील हो गया था, 6 पेशेंट मिल गए। तो क्या हुआ शिवेन? सर बिल्डिंग सील कर दिया, 6 पेशेंट मिल गए। अब वो मिलेगा? मेरा भी हो गया, मेरा आज ही हुआ। प्रिंट आउट मिलेगा कि नहीं मिलेगा शिवेन, ये बताओ। सर ले आएंगे चुपके से, बट कल परसों तक मिलेगा टाइम थोड़ा। तो ये सब टाइम पे अपना दिमाग लगा के जो है गार्ड को 10 रुपए 50 रुपए दे के जाओ, भाग के लेके आओ यार, और क्या है। हाँ सर। सर हम बचा हुआ बॉन्डिंग कब खत्म करेंगे? बचा हुआ बॉन्डिंग क्या था अपना? रेजोनेंस और वो डाइपोल के एक्सेप्शंस। डाइपोल का हमारा को वो बाकी है क्या थोड़ा सा अभी तक? एक के पॉइंट्स लिखा था सर, एक या दो बोला तो। हाँ सर। ओह शिट। अच्छा ठीक है, सुनो हम वो ये कंफर्मेशन खत्म करेंगे, उसमें डायपोल जरा सा देख के फिर हम जीओसी स्टार्ट करेंगे, ठीक है? सर रेजोनेंस भी है। सर कल स्टार्ट करेंगे। रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग भी। रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग में क्या है यार? बैक बॉन्डिंग में क्या है पार्थ? सर आपने बोला था थोड़ा रिमेनिंग। नहीं बैक बॉन्डिंग नहीं, सुनो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है तुम्हें, HF, HCl, HBr, HI का, वो मुझे एक बार याद दिलाना। ओके सर। ओके सर। तो व्हाट आई वुड वांट इज के क्या तुम लोग मुझे अपने नोट्स के साथ अपनी सेल्फी भेज सकते हो? इज दिया सर। सर सेल्फी? सर सेल्फी नहीं भेजा, बट पेपर फॉर्म में दिखा दिया है। ओके हाँ हाँ महक, हाँ मुझे मिला महक। ठीक है सर, जीओसी कल स्टार्ट करेंगे? हाँ मतलब मोस्टली शायद कल स्टार्ट हो जाए, अगर चाहे थोड़ा सा ही हो लेकिन स्टार्ट हो जाए, ठीक है? ओके। रेजोनेंस हम लोग जीओसी में करेंगे मैं, ठीक है? जीओसी के अंदर है तुम्हारे, तुम ज़ेरॉक्स देखोगे ना, अगर पेजेस घुमाओगे तुम्हें से मिल जाएगा रेजोनेंस, समझे क्या? ठीक है मैं एंड करता हूँ अभी। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। चलो
हमने लास्ट क्लास में देखा था कि इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि सबसे स्टेबल सपोज ब्यूटेन ही है, तो ब्यूटेन का सबसे स्टेबल जो कन्फर्मर है वो ये वाला है. दिस इज द स्टेट जहाँ पे वो सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है गाइज. दिस इज द स्टेट जहाँ पे वो सबसे सबसे ज्यादा हैप्पी रहता है. ठीक है, ये सब स्टेट्स पे ही इज ओके, ब्यूटेन इज ओके, उसमें दिक्कत नहीं है कोई. इन सब स्टेट पे थोड़ा नाराज है वो. ठीक है, और इन सब स्टेट पे तो बहुत बहुत ही भारी मुसीबत पे हैं. तो इन स्पाइट ऑफ दिस फैक्ट हम ये नहीं, ऐसा नहीं होता कि 100% मॉलिक्यूल इस फॉर्म में रहे, बिकॉज अगर 100% इस फॉर्म में रहता तो डायपोल मोमेंट की रीडिंग तुम्हारे पास में क्या आनी चाहिए थी बताओ? जीरो. समझ रहे हो? बिल्कुल जीरो. जब ये बिल्कुल जीरो आनी चाहिए थी, जब हमने उसको एक्सपेरिमेंटली चेक किया, तो चेक करने से हमारे पास कुछ ऐसा निकल के आता है. व्हेन एक्सपेरिमेंटली डायपोल मोमेंट ऑफ ब्यूटेन वाज कैलकुलेटेड, इट वाज फाउंड टू बी नॉन जीरो, व्हिच क्लियरली इंडिकेट्स दैट मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट ओनली इन एंटी फॉर्म. ठीक है, बिकॉज एंटी फॉर्म हैज जीरो डायपोल मोमेंट. सही बात है. इनफैक्ट ब्यूटेन एग्जिस्ट इन गॉश फॉर्म एंड एंटी फॉर्म. अब वो ये बोल रहा है कि इन इन सारी फॉर्म्स में से भी हम ये मान सकते हैं बच्चों कि इसका सम प्लस इसका सम प्लस इसका सम, ये तो है ही नहीं. खैर, दिस इज आउट ऑफ क्वेश्चन. तीसरा वाला क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? तीसरा वाला क्यों? कौन सा वाला? सर, जो फुली एक्लिप्स्ड और पार्शियली एक्लिप्स्ड. या बेबी प्रदीप, ओफ माय गुडनेस, दैट इज समथिंग न्यू. ये क्या था सर? आई डोंट नो. किसके माइक से आवाज आई थी? रील एकेडमी. रील एकेडमी, गॉड यार, रील एकेडमी को निकाल देते हैं. हेलो प्रदीप. अरे अब मत डराओ यार, हार्ट बीट तेज हो जाता है वैसे ही. हाँ, रील एकेडमी प्लीज. हाँ चलो, why are these graphs curves and not straight lines? मतलब ये straight lines का मतलब तुम्हारे काफी काफी interesting doubt है. क्यों भाई, why are these graphs curved and not straight lines? कोई reasoning? चलो हम इसे 5 मिनट time लगा लेते हैं. अच्छा, अगर मान लो स्ट्रेट लाइन होता तो उसका सिग्निफिकेंस हम समझते हैं कि क्या होता है. व्हाट डज दिस काइंड ऑफ ग्राफ रिप्रेजेंट? ऐसा ऐसा मॉड्यूलस ग्राफ, ऐसा एक्चुअली इन मतलब मैं ये बोलूंगा कि स्ट्रेट लाइन इसलिए नहीं सोचना चाहिए. सुनो, स्ट्रेट लाइन में इसलिए नहीं सोचना चाहिए क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी सडनली चेंज हो जाएगा. एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी में सडनली चेंज तो नहीं होगा, डिसकंटिन्यूटी नहीं है, लेकिन नॉन डेरिवेबिलिटी है. नॉन डेरिवेबिलिटी का मतलब यह है द रेट एट विच इट वॉज चेंजिंग जस्ट बिफोर दिस पॉइंट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेट एट विच इट इज चेंजिंग जस्ट आफ्टर दिस पॉइंट. द रेट एट विच इट इज चेंजिंग विच इज नॉट मेकिंग सेंस. देयर इज नो पॉइंट कि यहाँ पे इसका रेट ऑफ चेंज इतना ज्यादा डिफर करना चाहिए था. समझ रहे हो? अलग अलग स्लोप होने की वजह से इसके बजाय क्वाइट लॉजिकली हमें एक्चुअली ऐसा ग्राफ समझ में आता है. ठीक है, कि वो स्मूथ ट्रांजिशन पे जा रहा है. द रेट इज एक्चुअली चेंजिंग स्लोली, नॉट सडनली. ठीक है, दूसरा, जब तुम किसी थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हो इसे, ठीक है, तो हमें ये बात क्लियरली समझ में आती है दैट द जो भी हमारे पास में पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी विल डेफिनेटली बी नॉट अ फंक्शन ऑफ लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा. ये तो बिल्कुल इलॉजिकल है ना यार. ठीक है ना तरुण? तो क्योंकि ये लीनियर फंक्शन ऑफ थीटा नहीं हम एक्सपेक्ट करते हैं, इसलिए ये स्ट्रेट लाइन होना कोई लॉजिकल नहीं होना चाहिए ऐसा हमारे पास में. तो खैर, काम की बात ये, मैं ये बोल रहा था तुमसे कि ये अभी हमारे पास में ये तीन हमारे पास आइसोमर्स हैं. तो इन तीनों आइसोमर्स में तुम क्या पूछ रही थी प्रतीक्षा? मैं बोला ना कि गॉश और एंटी एग्जिस्ट करते. वो क्यों नहीं एग्जिस्ट करता फिफ्थ वाला? यार फिफ्थ वाला तो सेम उस तरह से एग्जिस्ट नहीं करता. मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता प्रतीक्षा, पहली बात तो मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ कि बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता. मैं तो बोल रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 100%
इसके अंदर कवर हो जाएगा। अब वो हो सकता है कि 98% हो या 99% हो या 95% के आसपास ही हो, समझ रही हो? ऐसा हो सकता है कि 5% इन सब में रहे, फिर वो 5% तुम्हें ये समझना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए प्रतीक्षा कि तुम सिर्फ ये पॉइंट और ये पॉइंट ही क्यों डिस्कस कर रही हो, तुम ये क्यों नहीं डिस्कस कर रही जो यहाँ से यहाँ इनफिनाइट पॉइंट्स हैं, समझ रही हो? बिकॉज यहाँ पे एग्जिस्ट करने से अच्छा तो किसी भी पॉइंट पे इसके दोनों तरफ एग्जिस्ट करे अच्छा ही है ना भाई। तो ऐसा नहीं है एक्चुअली, वो जब इनफैक्ट बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो यहाँ से यहाँ ट्रांजिशन भी कर रहे होंगे ना प्रतीक्षा, तो जब स्नैपशॉट खींचोगी तो तुम्हें कोई ना कोई तो यहाँ मिल ही जाएगा, ऐसे की खास बात थोड़ी है। ये वो एक्टिवेशन एनर्जी की तरह है जिसमें से कोई ना कोई क्रॉस तो कर ही रहा होगा। तो इट इज नॉट अबाउट कि यहाँ पे क्यों नहीं है, इट इज अबाउट यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे बहुत कम है, ठीक है क्या? Yes. तो अगर हम ये तीन फॉर्म्स ही मेजर फॉर्म्स मान रहे हैं, जो लोग चुप बैठते हैं अपना प्लीज एकदम आंखें खोल के एकदम ध्यान से सुनना, तुमसे पूछा जाए तो बहुत डांट खाओगे तुम। 100 मार्क्स के केमिस्ट्री पेपर में 90 किसी का आया है क्या? 100 मार्क्स का पेपर था ना केमिस्ट्री का, इट वॉज 100 राइट, किसी का 90 आया है क्या? नहीं सर, पहले ही बता दिया। 8 मार्क्स से रह गया। अच्छा कितना आया भाई? 82 80 प्लस कितने लोग आए भाई 100 मार्क्स में से? कितना है तुम्हारा? 90 है। गुड गॉड, गुड गुड, 90 हैंग गॉड। सोहम थोड़ी इज्जत रखिए, आयनिक में गया है क्या चीज? आयनिक में गया सोहम, उल्टा सीधा काउंट कर लिया नाइट्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर 10/9 3.3 कर दिया। हां सर, ओह ज्यादा टाइम गया, टाइम तो जाएगा ही सोहम, 90 लाना। अच्छा अब मैं तुम सब से बोलूंगा कि तुमने उस पेपर को देखा? मैंने तो आज डिस्कशन में देखा गाइस, मतलब तुम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम में रेजोनेंस का बुकलेट सर ने ग्रुप पे डाला है क्या, बताओ मुझे? हाँ सर, हाँ सर डाला है। तो तुमने उसका एक एक सवाल सॉल्व किया है क्या प्रतीक्षा? सर फर्स्ट वाली एक्सरसाइज किया है। तो फर्स्ट वाली एक्सरसाइज करने के बाद में प्रतीक्षा तुम ओएच माइनस वाला डाउट कैसे पूछते हो? मोमेंट में मैंने कुछ और ही कर दिया, उस क्वेश्चन में पूरा लंबा लिख कर दिया, बीच में लॉग में अटक गया। तो लिखा कितना आया केमिस्ट्री में, अगर मतलब चैट पे बता दो अगर याद हो तो। हाँ उत्कर्ष तुमने बताया, ओके सी गाइस मैं तुम्हें चीज बताता हूँ। द पेपर वॉज वेरी वेरी इजी, इट वॉज वेरी वेरी इजी, मतलब मेरे को पता नहीं था पेपर का स्टैंडर्ड इतना नीचे गिर रहा है, नहीं तो मैं इतना पेपर इजी पर जाने नहीं देता, ठीक है? नॉट स्कोरिंग इन दिस पेपर। ओके उत्कर्ष, कितना आना चाहिए था? नॉट स्कोरिंग इन दिस पेपर, आई डोंट नो कितना आना चाहिए था, इट डिपेंड जिस जो बच्चा क्लास में ढंग से सुन रहा है उसमें, मेरे हिसाब से किसी एवरेज बच्चे का मतलब 60-70 तक तो आना ही चाहिए भाई इस पेपर में, उससे कम तो मार्क्स किसी एंगल से नहीं बनता है किसी भी हालत में। ओके आदित्य, ओके तो मैं थोड़ा वही सरप्राइज था डिस्कशन करके कि तुम लोग कैसे कैसे डाउट से पूछ रहे थे, कैसे कैसे सवाल थे उसमें गलत करके आए। अनीश कितना आया केमिस्ट्री में, चैट पे बता दो भाई। ओके सिली मिस्टेक की थी तो वो सारी दिख गई हाँ सर, वो हटा के मेरा भी
हाँ सारे फिटजी वालों से भाई नहीं बोलूंगा, पहले तो भाई 0.00 का रूल याद रखो, मतलब एक एक स्ट्रक्चर जैसे। बोलो बोलो। हाँ बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो पार्थ? सर एक क्वेश्चन में एक स्ट्रक्चर रिपीट आई में कैलकुलेशन में ऐसे करके ओके प्लीज बकल अप। आप जो है सभी को मैं बस ये वार्निंग दे रहा हूँ दैट यू आर इन अ वेरी ग्रेव सिचुएशन बिकॉज सब कुछ तुम्हारा ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है। तो हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि पेपर तो आसान शायद आ जाएगा, बट तुम आसान में भी शिट ना करो, ठीक है। तुम लोग सब जो है इडियट्स टाइप अपना आईक्यू ना शो करो, थोड़ा सा इम्प्रूव कर लो, ठीक है। एवोल्यूशन चेन को थोड़ा सा आगे पुश कर लो किसी तरह से। उस आयनिक इक्विलिब्रियम की शीट का एक एक सवाल सॉल्व करो, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, ईच एंड एवरी प्रॉब्लम। यस सर। ओके ठीक है। हाँ अनीश शिविन तुम जो है एकदम आराम करो, तुम कोई एक सब्जेक्ट पढ़ लो उसमें स्कोर बता देना अपना, ठीक है शिविन? कोई फायदा भी नहीं तुमसे करवाने से, तुम सॉल्व, तुम एक्चुअली मेहनत करके फिर एक ही सब्जेक्ट करो तो फायदा क्या? तो मेरे को दुख होता है फिर वो कि इससे अच्छा एक्चुअली तुम एंजॉय करो, चिल मारो तुम। चलो सॉरी सर। तो ये ऑलमोस्ट 100% हमारा कवर हो जाता है इन तीन फॉर्म्स में, तीन कन्फर्मेशनल आइसोमर्स में। क्योंकि इसका जीरो है और इन दोनों का जीरो नहीं है, इसका मतलब एक बात तो कंफर्म है कि बाकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। बाकी दोनों फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं, तो वही वो नीचे बता रहा है, ठीक है, कि एक्चुअली म्यू नेट क्या हो जाएगा बताओ। म्यू वन एक्स वन हो जाएगा प्लस म्यू टू एक्स टू हो जाएगा प्लस म्यू थ्री एक्स थ्री एंड सो ऑन, जितने फॉर्म्स है उन सब टोटल का सम हो जाएगा, राइट। जब इन सबका सम हो जाएगा x2 x3 are mole fractions of different conformational isomers and mu1 mu2 are their dipole moments, ठीक है। सब कोई दिक्कत नहीं यहां तक, कोई सबको समझ में आ गया तुम्हें? सपोज जैसे मैं mu butane की बात करूं तो क्या हो जाएगा बताओ? mu nt into x nt और plus mu gauche into x gauche। अच्छा गाइस इसमें एक टर्म और आनी चाहिए थी क्या? नहीं, इसमें क्या हुआ, दिस एक्चुअली x gauche contains क्या बताओ, दिस एक्चुअली contains x gauche इनेंशियोमर वन प्लस एक्स गॉश इनेंशियोमर टू का टोटल सम। एंड क्योंकि स्टेबिलिटी में दोनों बराबर हैं इसलिए दोनों बिल्कुल इक्वल होंगे। बोलो सही है कि नहीं है? ठीक है। तो ये जो भी सम था ये टू टाइम्स दिस करने से हमारे पास जो नंबर आता है, टू इंटू दिस करने से जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, और क्योंकि दोनों इनेंशियोमर हैं तो गाइज दो इनेंशियोमर्स का डायपोल मोमेंट क्या होगा बताओ? सेम होगा, ठीक है। इसलिए हमारे पास में म्यू ब्यूटेन एक्चुअली म्यू गॉश इंटू एक्स गॉश, बस यही एक्सप्रेशन बन जाएगा। यहां तक सबको समझा कि कोई डाउट है बताओ? ठीक है। नीचे का सेंटेंस उसी बात का जस्टिफिकेशन है। ड्रॉ द मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ 1-2 डाइक्लोरोइथेन, ठीक है। मैं देखो नीचे जा रहा हूं, मोस्ट स्टेबल एंड लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ 1-2 डाइक्लोरोइथेन। तो 1-2 डाइक्लोरोइथेन का मोस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म क्या है बताओ? ये एंटी में चला गया ClCl, और लीस्ट स्टेबल स्टैगर्ड फॉर्म क्या है बताओ? ClCl गॉश पे है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? नीचे का सवाल देखो। गिवन दैट 1-2 डाइक्लोरोइथेन एग्जिस्ट 70% इन एंटी फॉर्म एंड 30% इन गॉश फॉर्म एट 25°C, यूजिंग द अबव इंफॉर्मेशन Which option best describes percentage population of 1-2 dibromoethane? तो dibromoethane और dichloroethane में Wonderwall और ज़्यादा रहेगा। Wonderwall strain ज़्यादा रहेगा। Wonderwall strain ज़्यादा रहेगा। बिल्कुल सही बात। Anti बढ़ जाएगा। तो इसलिए anti का ratio और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये 80% 20%। इसमें बातें तो खैर आंसर लिखी हुई हैं। तो तुम्हें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी भाई। इसमें कोई बहुत ज़्यादा ऐसी बड़ी इशू इसमें है नहीं। एक्सप्लेनेशन तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कुछ केसेस हैं गाइस
जिसमें क्या है कि गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है. क्या होता है? गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है. तो उसका पहला एग्जांपल है इन दोस केसेस वेयर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज पॉसिबल इन गॉश फॉर्म बिकम्स मोर स्टेबल देन एंटी फॉर्म. ठीक है. अब इसको अपन देखो, इसको हम लोग ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि अगर अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल है, ठीक है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बताओ 5 to 6 मेंबर रिंग में होती है. बताओ, ये चीज हमको शायद याद होगी. इंट्रा एच बॉन्ड जो है, इंट्रा एच बॉन्ड जो है वो क्या होता है बताओ? 5 to 6 मेंबर रिंग में होता है. बोलो सही है. यस सर. अब 5 to 6 मेंबर रिंग में जब इंट्रा एच बॉन्ड होता है, ठीक है, तो इस OH को इस OH के सामने रहना चाहिए था ना. बताओ, मतलब दिस वुड हैव बीन लाइक दिस कि ये OH होता और फिर बाद में इस O का लोन पेयर होता जिसके साथ में H बॉन्डेड होता, ठीक है, और यहाँ पे एक और कार्बन होता, ये कार्बन कार्बन इस तरह से हो जाता. दिस वुड हैव बीन अ परफेक्ट 5 मेंबर्ड रिंग, ठीक है, अगर ये प्लेन में होता तो. अगर सब कुछ प्लेन में होता तो ये परफेक्ट 5 मेंबर्ड रिंग बन जाता, ठीक है. मतलब ये एक्चुअली कैसा फॉर्म हो जाता बताओ? ये एक्चुअली परफेक्ट इक्लिप्स फॉर्म हो जाता. This would have been an eclipse form. ठीक है, लेकिन इसको locking की तरह treat कर सकते हैं ना? किसकी तरह? Locking. हाँ, treat कर सकते हो. लेकिन actually इसके अंदर एक छोटा सा drawback है. Drawback ये है कि ये जब जब तुमने इसको ऐसे plane में lock किया, तो यहाँ पे एक एक जो है वो repulsion चालू है. कौन सा repulsion बताओ? Which one? Torsional, van der Waal, कौन सा repulsion चालू है? देखो, आज यहाँ वंडरवॉल रिपल्शन नहीं है, यहाँ वंडरवॉल अट्रैक्शन है. पहले तो जो हाँ टॉर्शनल, जो दो इसमें होते थे, एक होता था वंडरवॉल, ठीक है, और एक होता था टॉर्शनल. तो पहले तो क्या हुआ कि भाई टॉर्शनल रिपल्शन तो अभी भी है, लेकिन वंडरवॉल रिपल्शन जो है ये एक्चुअली चेंज होके वंडरवॉल अट्रैक्शन में चेंज हो गया है. ठीक है, अब अगर सोचो, अगर वंडरवॉल फोर्सेज अट्रैक्टिव हो जाए, तो हम लोग सबसे पहले तो जिस चीज को हम लोग रिपल्शन मान के मैक्सिमम सेपरेशन में रखते थे एंटी पे, बताओ वो चीजें अगर अट्रैक्टिव हैं तो एक दूसरे के पास रहना पसंद करेंगी. सही बात है. तो जब ये पास रहना पसंद करेंगे एक दूसरे के, तो ओएच ओएच एक दूसरे के पास में रहते हैं. लेकिन साथ में टॉर्शनल स्ट्रेन जब लगना शुरू होता है, तो ये नीचे से, ठीक है, इस पॉइंट से एक दूसरे को रिपेल करना शुरू करते हैं. तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ प्लेन चला जाता है. दिस बॉन्ड गोज स्लाइटली आउट ऑफ प्लेन. This bond goes slightly out of plane, just sufficiently enough. जिससे अभी भी ये ring कितनी है बताओ? 5 membered ring बनी हुई है. समझ रहे हो क्या? 1, 2, 3 ये वाला carbon, 4 ये वाला carbon. ठीक है, 6 membered ring in fact है. नहीं, 5 membered ring है और 5. तो थोड़ा angle strain भी आता है ना? क्या होता है? Angle strain भी रहेगा. Angle strain? नहीं, angle strain क्यों रहेगा बेटा? ऐसे रहना चाहते थे, लेकिन तुमने क्या किया, तुमने इनको जो है इधर करके, ठीक है, तुमने इस बॉन्ड को इधर इधर शिफ्ट करके यहाँ पे एंगल स्ट्रेन ले आए तुम इधर. समझ रहे हो? 5 और 6 में हम एच बॉन्ड क्यों बनाते हैं पार्थ? इसीलिए तो बनाते हैं ताकि एंगल स्ट्रेन ना आए, तभी तो मॉलिक्यूल इजीली इंट्रा कर लेता है 5-6 में. अगर एंगल स्ट्रेन करोगे ना, तो एच बॉन्डिंग इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स ही नहीं है कि उसे तुम पकड़ पाओ. समझे क्या? तो इसलिए जहां पे ये इंट्रा एच बॉन्डिंग हो रही है, ठीक है, वहां पे गॉश फॉर्म ज्यादा स्टेबल हो जाता है एंटी फॉर्म से. ये हमें ध्यान रखना है. ठीक है, तो हिसाब से तो हमें एक्चुअली इक्लिप्स में होना चाहिए था. देखो बच्चों, हिसाब से तो हमें एक्चुअली इक्लिप्स में होना चाहिए था, बट इक्लिप्स्ड से थोड़ा सा हम लोग स्लिप होके ऐसे एंगल पे चले गए, सच दैट टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो गया, टॉर्शनल स्ट्रेन भी कम हो गया, और वंडर वॉल अट्रैक्शन भी क्या है, ये एक्चुअली बना हुआ है अभी तक, तो ये बेस्ट पोजिशन हो जाती है. क्यों रहेगी? क्या रहेगी? जो पोजिशन अभी बनी है वो स्क्यू रहेगी? नहीं, स्क्यू तो बेटा हम उसको बोलते हैं ना, जो स्क्यू हम लोग किसे बोलते थे, जो गॉश और इक्लिप्स छोड़ के सारे,
तो हम लोग इसे एक्चुअली गौशी बोल रहे हैं. ओके ठीक है, इसे हम लोग गौशी बोल रहे हैं. ऑलमोस्ट एज गुड एज 60 डिग्री है. ओके अब इंटरमॉलिकुलर नहीं, एक्चुअली इंट्रामॉलिकुलर होना चाहिए. इस वर्ड को ठीक कर लो भाई. तो जहां भी आज से तुम्हें एच बॉन्डिंग का केस मिले बच्चों, ठीक है, जैसे सी एच ओ और ओ एच, तो गाइस तुम्हें पता है ना कौन सा एच एच बॉन्डिंग कर सकता है, सी एच ओ का एच कि ओ एच का एच? ओ एच का. ओ एच का. सी एच ओ का एच तो कार्बन से लगा हुआ है. ठीक है, जो बच्चे थोड़ा सा लेट इसको पकड़ रहे हैं, जिन्हें थोड़ा सा वीक लगता है वो यहाँ पे एच बॉन्डिंग वीक लगता है, वो यहाँ पे लिख लें अपने नोट्स में स्पेशली कि ये हाइड्रोजन यूजलेस है. दिस इज यूजलेस फॉर एच बॉन्डिंग. एच बॉन्डिंग के लिए इस पूरे मॉलिक्यूल में सिर्फ ये एक ही एच एलिजिबल है, क्योंकि एच बॉन्डिंग के लिए किससे अटैच होना चाहिए? FON. FON. ठीक है, सेम गोज फिर ये देखो FOH, FOH के लिए इन सब मिसिबिलिटी का ऑर्डर ये है. सर आप ऐसे मॉलिक्यूल का एग्जांपल दे सकते हो जिसमें एंगल स्ट्रेन आ रहे, जिसमें एंगल स्ट्रेन हो? हाँ. लो ये रहा, दो पेज नीचे चले जाओ भर भर के, ये रहा. जब तुम साइक्लिक कंपाउंड्स में आ जाओगे तो इन सब में एंगल स्ट्रेन है. देखो तरुण, इसमें सबसे ज्यादा है. दिस थिंग हैज बीन बीटन ब्लैक एंड ब्लू बिकॉज ऑफ एंगल स्ट्रेन. बहुत बुरी हालत में है ये. इसमें न्यूमैन प्रोजेक्शन वाले केस, मतलब मैं इसको न्यूमैन प्रोजेक्शन में ड्रॉ कर दूंगा ना बेटा. ये लो, तुम क्या चाहते हो कि ओपन चेन में एंगल स्ट्रेन लेके आइए, चाहते हो क्या तुम? Yes. ये रहा न्यूमैन प्रोजेक्शन साइक्लोहेक्सेन का, साइक्लोप्रोपेन का, साइक्लोब्यूटेन का कैसा बन जाएगा? देखो ऐसा बन जाएगा. देखो गाइस, ऐसे 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 ऐसे, देखो ये है साइक्लोब्यूटेन. Yes, sir. ऐसे बन जाएगा. तो which of the following cases anti-conformation has exactly zero dipole moment? अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. ये इंटरेस्टिंग सवाल कैसे है, देखो थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा. अब मुझे एक चीज बताओ, पहली नजर में सब के सब देखने पे जीरो डायपोल मोमेंट के लगते हैं कि नहीं लगते हैं? Yes, sir. Yes, sir. सबके सब लगते हैं. बिकॉज क्या है, देखो अगर ये एक कार्बन है, ये एक कार्बन है, ठीक है, एंटी कन्फर्मेशन ड्रॉ कर रहा हूं. देखो मैं 100 हॉर्स के फॉर्म में ड्रॉ कर रहा हूं गाइस. तो ये वेज पे एच है, थोड़ा पेशेंस से बैठ के देखो. ये डैश पे एच है, अच्छा ये वेज पे एच है और ये डैश पे एच है, ठीक है. अच्छा यहां पे एक ग्रुप जी लगा हुआ है और यहां पे एक ग्रुप जी लगा हुआ है. अब अगर ये एक एंटी कंफर्मर है, सबको दिख रहा है ये एंटी कंफर्मर है? बोलो भाई. यस सर. यस सर. अब अगर मैं इसका वेक्टर ऐसा बनाऊं, अच्छा बाय सिमेट्री में ये भी बोल सकता हूं कि इसका जो भी एंगल होगा थीटा, थीटा डैश, एग्जैक्टली वही थीटा डैश यहां पे होगा कि नहीं होगा, बताओ? यस सर. होगा सर. होगा. इसका मतलब दीज टू वेक्टर्स जो भी अगर ये हैं यहाँ पे, दीज टू वेक्टर्स आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल. ये बात मैं कंफर्म बोल सकता हूँ, दीज टू वेक्टर्स आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल. आर एग्जैक्टली एंटी पैरेलल. ये सही है तुल्लिका? सर वहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें एफ और सीएल है, उसके लिए भी है. नहीं उसमें, हाँ इसमें नहीं होगा. ये तो चलो ऑब्वियसली मैंने देखा नहीं है एग्जांपल.
इसमें तो ऑब्वियसली नहीं होगा, बिकॉज जब दोनों जी ही अलग अलग हैं तो एंगल भी चेंज हो जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। लास्ट वाला तो ऑब्वियसली नहीं है, हम तो पहले फर्स्ट तीन के कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक कंफर्मर तो मिलेगा ना? नहीं, लेकिन उसमें क्या है कि एंगल कंफर्मर मिल जाएगा एंटी, लेकिन उसमें एंगल एग्जैक्टली मैच नहीं करेगा ना। ठीक है, अच्छा अब प्रॉब्लम क्या है कि जीरो डायपोल मोमेंट हिसाब से तो हो जाना चाहिए, क्यों? सपोज जी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जी पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, जी पे प्लस आएगा, इस पे माइनस आएगा, बताओ जीरो हो गया। और जी अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो बताओ कार्बन पे प्लस आएगा, जी पे माइनस आएगा, कार्बन प्लस आएगा, जी पे माइनस आएगा, हो जाना चाहिए, सही बात है? yes, तो ये बात खत्म हो जानी चाहिए थी, बट देर इज अ प्रॉब्लम। अब हम इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे OH। जब तुम यहाँ पे OH इंट्रोड्यूस करते हो, तुमने यहाँ पे O और H इंट्रोड्यूस कर दिया, O और H इंट्रोड्यूस कर दिया, देखो अगर मामला यहीं पे खत्म हो जाता तो ओवर हो जाता। अब OH के अंदर क्या प्रॉब्लम है, OH के अंदर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है और दो लोन पेयर और है यहाँ पे, समझ रहे हो क्या? और ये दो लोन पेयर और एक हाइड्रोजन मुझे बताओ पंखे की तरह ऊपर घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं? यस सर। अब इन दो लोन पेयर की वजह से, ठीक है, और इस एक जो है हाइड्रोजन की वजह से कोई एक रैंडम डायपोल जो है वो और जनरेट हुआ होगा यहां पे, बताओ ऐसा कुछ, ऐसा कुछ ऐसा। और जब ये घूमता होगा पंखे की तरह है, तो ये डायपोल भी तो साथ साथ में पंखे की तरह इसके ऊपर घूमता होगा, बताओ। yes, समझ रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? दिस एरो एक्चुअली रोटेट्स एज दिस OH ग्रुप रोटेट्स, इवन इन दिस एंटी कन्फर्मर। अगर मैंने इतना लॉक कर भी दिया, इवन फॉर फिक्स्ड एंटी कन्फर्मर अगर मैं ले लूं, तो भी ऊपर के OH के घूमने की वजह से, ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम हमेशा जीरो आएगा, ये कंपलसरी नहीं है, ये बात समझ रहे हो गया? अच्छा, ये प्रॉब्लम कब नहीं होगी, देखो ये प्रॉब्लम तब नहीं होगी, सुनो, जब मैं यहां पे OH ना लगा के एक ऐसा एटम लगाऊं, जैसे देखो मैंने यहां पे लगाया Cl, अब क्लोरीन पे और कुछ लगाया क्या, बताओ? क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है? एक ही है, लोन पेयर, लोन पेयर है, एग्जैक्टली कितने लोन पेयर हैं? तीन। और वो तीन लोन पेयर मुझे बताओ कि इस बॉन्ड के सामने सिमेट्रिकली फैले होंगे कि नहीं होंगे, बताओ। यस सर। मतलब sp3 एंगल नहीं होगा, लेकिन इन तीनों का एंगल इस बॉन्ड से सेम होगा कि नहीं होगा, बताओ। yes, इसका मतलब इन तीनों का जो डायपोल मोमेंट का सम होगा गाइज, वो प्लस से इधर और प्लस से इधर करने से इन तीनों का इंडिविजुअल सम वापस इसी लाइन के अलोंग आएगा कि नहीं आएगा, बताओ। Yes. तो जब ये क्लोरीन का एटम घूमेगा, तो इसके घूमने से ये वेक्टर क्या चेंज होगा डायरेक्शन में, बताओ? नहीं सर, नहीं। तो दिस इज द आंसर ऑफ व्हाई टू OH अटैच्ड ऑन एंटी पोजीशन विल नॉट गिव यू एग्जैक्ट जीरो डायपोल मोमेंट। काफी कुछ जीरो रहेगा बट एग्जैक्ट जीरो नहीं रहेगा, समझ रहे हो क्या? वो OH के बेंट बॉन्ड होने के लोचे की वजह से है ये सर, जस्ट बिकॉज़ वो दो लोन पेयर और एक हाइड्रोजन है इसलिए। हाँ, अगर इन तीनों का, जैसे इस OH के अंदर दो लोन पेयर और एक हाइड्रोजन का तीनों का वेक्टर सम इसी लाइन के अलोंग होता, ठीक है, तो वो जीरो होता, लेकिन वो है नहीं। द सेम गोज फॉर नाइट्रोजन, क्या ये अमीन ग्रुप, तो N के ऊपर क्या है बताओ गाइज, दो हाइड्रोजन है कि नहीं और एक लोन पेयर है? yes, तो इसमें भी जीरो नहीं होगा, बिकॉज ये इस लाइन के अलोंग आएगा क्या, इसका सम वेक्टर सम नहीं आएगा,
चैतल समझा गया? हाँ सर समझ। तो जैसे मुझे मुझे तुम बताओ कि सपोज मैंने यहाँ पे CH2 और CN लगाया तो इसका जीरो होगा या नहीं होगा? क्यों जीरो होगा चैतल? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है और एक ही लोन पेयर है तो वो उसी लाइन में आ जाएगा। अच्छा ट्रिपल बॉन्ड लग रहा है तो क्या थोड़ा सा और मुझे एक्सप्लेन करोगी क्या? सर नाइट्रोजन का लोन पेयर उसी लाइन में आ जाएगा, सही बोल रही। थोड़ा ये भी बता दो कि एंगल कितना है इसका? सर 180 डिग्री। इसका मतलब 180 डिग्री होने की वजह से ऐसा हो जाएगा ना, बताओ कि इस सी पे ट्रिपल बॉन्ड एन और फिर इस सी पे ट्रिपल बॉन्ड एन, तो ये बताओ बिल्कुल परफेक्ट लीनियर है कि नहीं? यस सर। यस सर। यस सर। कुछ घूमने के लिए नहीं है। हाँ कुछ एक्चुअली घूमने के लिए है ही नहीं, जैसा रहेगा वो ऐसे ही रहेगा बस। सबको सामने आ रहा है कि क्या कैसे जीरो नॉन जीरो हो जा रहा है डेवलपमेंट हल्का सा? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा इसको हटा रहा हूं मैं। अच्छा द सेम गोज फॉर दिस। देखो मैं तुमसे आप पूछता हूं, जैसे अगर मैंने बेंजीन है, बेंजीन पे दो सीएल लगाए तो इसका म्यू नेट जीरो होगा कि नहीं होगा? यस सर। बिकॉज ऑफ सेम रीजन होगा सर, वो तीन लोन पेयर की वजह से म्यू नेट जीरो होगा। अच्छा अच्छा सोच के बताना। देखो बेंजीन पे, और किसी और के आंसर से जज मत करके बताना, बेंजीन पे तुमने OH और OH लगाया, इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? सर चैट में लिखूं? हाँ चैट में लिख दो। हाँ अंशु सही है, हाँ शौनक सही है, हाँ नहीं हमें कंपल्सरी बताना है वो, कभी कभार तो चलो बाय चांस हो ही सकता है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। हाँ प्रतीक्षा, यस आर्यन, यस चेतन, हाँ तरुण, यस महक, यस पार्थ। अच्छा ठीक है इसका बताओ। हाँ खुशी, यस निले, देखो इसका बताओ इसका होगा कि नहीं होगा? हाँ सोहम, देखो तुमने बेंजीन पे एक CH3 और पैरा पे एक CH3 और लगाया है, इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? यस प्रतीक्षा, शिवेन, खुशी, अनीश, तरुण, पार्थ, आर्यन, शौनक, अंशुल, निलय, हाँ हाँ तमोली, हाँ सबको सामने आया इसका जीरो होगा, क्योंकि क्योंकि अगेन तुम इसको जब एक्सपैंड करोगे तो ये फ्लावर की तरह जो खुलेगा समान, तो इन तीनों हाइड्रोजन्स के लिए क्या होगा बताओ, वेक्टर सम क्या होगा इसका? इसी लाइन के अलोंग लाई करेगा, सेम लाइन पे आएगा। अच्छा ठीक है भाई। अच्छा ये बताओ बेंजीन पे मैंने NO2 और NO2 लिया, इसका जीरो होगा कि नहीं होगा? मैं तुम्हारा आंसर राइट और रॉन्ग बताऊंगा, तुम लोग चैट पे दे सकते हो। ओके खुशी, ओके चैतल, हाँ श्वेन,
अच्छा अच्छा ठीक है, चलो रुक जाओ, चलो ठीक है। पार्थ तुम बताओ कि NO2 का तुमने जीरो नॉन जीरो तुमने क्या सोच के बताया? सर अगर जैसे हम एक एक ऑक्सीजन पे डबल बॉन्ड और एक ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन नेगेटिव पे सिंगल बॉन्ड। अच्छा अच्छा मैं तुम्हें अगर एक चीज बताऊं कि रेजोनेंस की वजह से ये दोनों बॉन्ड लेंथ बराबर हो गए प्लस ये रेजोनेंस की वजह से वो मतलब 1.5 पे आ जाता उसका। हां वो आ जाता है इसलिए मुझे थोड़ा ये बात अकाउंट में लेने के बाद में अपना आंसर तुम जीरो बोलोगे नॉन जीरो बोलोगे कुछ चेंज करोगे कि वही रहेगा। सर वो अकाउंट में लेने के बाद तो फिर सुनो 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 चलो ठीक है देखो सुनो मुझे बताओ ये अभी सर नो सर क्योंकि वो ग्रुप पूरा घूम सकता। अच्छा ठीक है। अच्छा पार्थ अब मुझे बताओ ये ग्रुप बताओ प्लेनर है कि नहीं है? बोलो। यस सर। sp2 है ना नाइट्रोजन भाई, नाइट्रोजन sp2 है ना। तो अभी जब मैंने जब दोनों दोनों बॉन्डिंग बराबर कर दिए तो इसका जो डायपोल है वो इस लाइन के अलोंग है कि नहीं बताओ दोनों का मिला के। अब जब मैंने इसे घुमा भी दिया पार्थ थोड़ा सा अगर सपोज ये ऐसा आ गया ओ और ओ तो अभी भी इस लाइन के अलोंग है कि नहीं बताओ ये। हाँ सर। तो अगर मैं इसे घुमा भी दूं तो उससे क्या फर्क पड़ा बताओ इस एन सी बॉन्ड के अलोंग है कि नहीं वो। तो मैं अगर बेंजीन पे OH लगाता तो ये टेढ़ा होता था तो अलग अलग डायरेक्शन में OH होने की वजह से एक्चुअली रिएक्टर घूमता था लेकिन मैं बेंजीन पे NO2 लगाता हूँ तो ये एक्चुअली प्लेनर है तो अलग अलग डायरेक्शन में अगर प्लेन आ भी जाते हैं ठीक है तो एक्चुअली इन सब का क्या है हमेशा इसी लाइन के अलोंग रहता है रिएक्टर। समझ हो गया? Yes, तो वही एक्सप्लेनेशन नीचे के पेजेस पे दिया हुआ है ठीक है। तो सभी लोगों ने जब कॉपी किया होगा गाइस तो मुझे बताओ तुम्हारे पास इतनी सी स्पेस बची होगी कुछ नोट करने के लिए? ऑन अ वेरी स्पेशल थिंग दैट इज वेरी अनएक्सपेक्टेड दैट इज कॉल्ड गॉश इफेक्ट। संजय गॉश इफेक्ट पता है क्या? टर्म पढ़ा था बट अब याद नहीं आ रहा। याद नहीं आ रहा किसके रिलेटेड है? किस किसी 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 कंपाउंड के लिए स्पेसिफिकली? कोई केस था शायद से। कोई केस था। ओके आदित्य उत्कर्ष या अंशुल किसी को पता है कुछ याद है क्या इसके बारे में? नहीं सर। स्टेबिलिटी से रिलेटेड था क्या? हाँ किसकी स्टेबिलिटी और कैसे कुछ आइडिया है सर? शायद से गॉश और एंटी के बीच में कंपैरिजन था सर। मिथॉक्सी में था क्या? हाँ सही बात है मिथॉक्सी में होता है सर। उसमें भी कुछ वजह था ना कि गॉश ज़्यादा स्टेबल होता है एंटी से क्यों होता है हाँ। वही शायद से इफेक्ट होता है। हाँ यस देयर इज अ वेरी अनयूजुअल फिनोमेना एंड यू आर नॉट गोइंग टू लाइक इट ठीक है ना। तुम्हें पसंद नहीं आएगा गॉश इफेक्ट जो है। तो वो अनयूजुअल फिनोमिना क्या है दैट गॉश इफेक्ट इज अ सिचुएशन वेयर अ गॉश कन्फर्मर
हाँ तो गॉश गॉश कन्फर्मर जो है ठीक है इज मोर स्टेबल देन दैट इज मतलब ग्रुप्स एट 60 डिग्री सेपरेशन मेन ग्रुप्स एट 60 डिग्री सेपरेशन आर मोर स्टेबल देन एंटी कन्फर्मर इवन विदाउट एनी इंट्रा एच बॉन्डिंग इवन विदाउट एनी इंट्रा एच बॉन्डिंग सर बट हमने तो वैसे किया था ना जैसे मतलब पेपर के पहले आपने बोला था कि एकदम दूर दूर रख दो उनको हाँ 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 सुनो 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 इसके आगे वर्ड ऐड कर लो इन इन सम कंपाउंड्स सब में नहीं होता ये मैं तुम्हें पहले बोला तुम्हें पसंद नहीं आएगा ये वो यूजुअल है भी नहीं भाई द बेस्ट एग्जांपल वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ दिस सिचुएशन इज इज 1,2 डाइफ्लोरोइथेन अब 1,2 डाइफ्लोरोइथेन में मतलब वो ये बोल रहा है कि इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी पहले तो तुम मतलब समझ लो क्या बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी ये वाला जो कन्फर्मर है जिसमें F यहां पे है देखो H यहां पे है H यहां पे है और दूसरे कार्बन में F सेंटर में है यहां पे वेज पे H है डैश पे एच देखो ये गॉश है कि नहीं है मतलब इसका अगर तुम फ्रंट व्यू लोगे तो तुम्हें ऐसा नजर आएगा ये कि एक एफ इधर है एक एच इधर है एक एच इधर है ठीक है दिस इज मोर स्टेबल देन एक एफ यहां है एक एच यहां है एक एच यहां है दिस इज मोर स्टेबल देन ये वाला कन्फर्मर जिसमें एक एफ ऊपर है एक एफ नीचे है एच और एच एच और एच ठीक है ये इससे ज्यादा स्टेबल है अब इसके जो एक्सप्लेनेशन है इसके क्या मल्टीपल तरीके हैं ठीक है उसमें से एक एक्सप्लेनेशन जो है वो हाइपर कॉन्जुगेशन से रिलेटेड है अब तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन आता नहीं है गाइस अभी समझ रहे हो भारी भरकम साइंटिस्ट वाला वर्ड लग रहा हाँ तो तुम्हें हाइपर कॉन्जुगेशन आता नहीं है तो प्रोबेबली या तो हम लोग हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ेंगे और फिर उसे ऑब्जर्व करेंगे ठीक है सर मतलब वो सिग्मा पाई मतलब सिग्मा ऑर्बिटल रेजोनेंस ऐसा कुछ हाँ एक्चुअली इसका बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग जो है वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करके जो है इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ले आते हैं जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन में हम H प्लस को लूज करवा के डबल बॉन्ड बनाते हैं वैसे इसमें भी हम H प्लस को लूज करवा के जो ये फ्लोरीन के सामने देखो ये वाले फ्लोरीन के सामने एक H आ गया है ना और इस वाले फ्लोरीन के सामने भी एक एच आ गया है तो इन दोनों जगह से क्या है एच प्लस लूज करके ठीक है ओवरलैप करके डबल बॉन्ड कैरेक्टर लाते हैं सीसी के बीच में जिससे स्टेबिलिटी आती है तो ये अभी बहुत ज्यादा वेलकम थॉट तो नहीं है बट क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ये मालूम चले पहले कि ऐसा कुछ एक्सेप्शनल इशू है इसके अंदर
ठीक है, तो और इसके कौन से एग्जांपल्स हैं? अब और है इथिलीन ग्लाइकॉल, तो इथिलीन ग्लाइकॉल के अंदर तो क्या है कि भाई एच बॉन्डिंग भी होती है। अच्छा, दिस इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल, इसका नाम ये सबने कॉपी किया ही? एक बार पहले बताओ, सबने लिख लिया इतना? यस सर। वन टू डाइमिथॉक्सी इथेन में भी होता है। हाँ होता है, जब मतलब यहाँ पे जब इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे ना, F और F जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे ऑक्सीजन आ भी आ रहा है, ऐसा ही था, तब भी होगा। हाँ ठीक है, ठीक है, इसको एक बार नोट कर लो। दिस आल्सो टेक्स प्लेस इन, ये भी नोट कर लो, CH2 OH और OH, इसका देखो इसका नाम है इथिलीन ग्लाइकॉल, इथिलीन ग्लाइकॉल या CH2 CH2। जैसे अभी तुमने ये CH2 CH2 F और F में देखा है ना, वैसे वैसे ये F और F हटा के OME लगा दो। अब कोई आदमी बोल सकता है कि सर एक मिनट, यहां तो सर इंट्रा एच बॉन्डिंग भी हो रही है, इसलिए भी गॉस स्टेबल है यहां पे, लेकिन फिर OME में तो कोई इंट्रा एच बॉन्डिंग नहीं है, यहां तो नहीं होना चाहिए था ऐसा गॉस स्टेबल, यहां भी गॉस स्टेबल है। तो दिस इज बिकॉज कि जब भी यहां पे मेरे पास में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, उनका फिर तो ऐसे याद करना है कि सर O और F या NB? N नहीं, N के साथ में इतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है सर, तो हमेशा मतलब जो आते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव ही आते हैं बहुत, मतलब हाईली। हाँ तुम उसको ऐसे मत याद करो, तुम ये तीन एग्जांपल याद कर लो पहले, तो 1,2 डाइफ्लोरो इथेन बहुत फेमस एग्जांपल है, इसको याद रखो। सब लोगों ने कॉपी किया क्या इतना बताओ? ओके सर, एक OME में ना वैसे OME इटसेल्फ घूमता रहेगा तो वैंडरवॉल टाइप्स। सही बात है, सही बात है, वो जो तुम बोल रहे हो ना शौनक, उसके अंदर क्या है कि भाई इस सी पे जब मैं गॉश पे रख रहा हूं ना, तो एक तो भी पहली बात तो इक्लिप्स नहीं है ना ये शौनक, ये वेज पे एक ओ है और ये इस तरफ एक ओ है, और इस पे फिर CH3 जो यहाँ पे लगा हुआ है, ये जो घूमता है और ये जो घूमता है, तो इसके अंदर भी क्या है कि भाई पहली बात तो सेम प्लेन में नहीं है, तो इसमें वंडरवॉल थोड़े बहुत हैं लेकिन थोड़े कम हो गए हैं, इक्लिप्स में होता तो बहुत खराब हो जाता, ठीक है। और दूसरा क्या है कि हमेशा जरूरी नहीं है ना कि दोनों एक दूसरे के बिल्कुल सामने ही रहें, तो जनरली जब ये इधर रहेगा तो ये चीज फिर इधर नहीं, इधर जो है घूम नहीं पाएगी, जब ये हट जाएगा घूम के उधर तो ये इधर घूम सकते, दोनों एक दूसरे का रोटेशन रिस्ट्रिक्ट करेंगे। हाँ करेंगे, सही बात, थोड़ा बहुत करेंगे। और आखिरी चीज क्या है कि इमीडिएटली नहीं अटैच्ड है ना, पहले ओ अटैच्ड है, उस ओ पे CH3 अटैच्ड है, समझ रहे हो? तो धीरे धीरे दूर हो रहे हैं वो सब। सबने लिखा इतना? ये मतलब याद रखना है तुम्हें कम से कम एटलीस्ट इतना। यस ठीक है भाई, तो मैं इसको देखो एक बार यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। आइसोमेरिज्म में अपने पास कन्फर्मर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन के अलावा और जो है कुछ बाकी नहीं है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि हमने हमने जो है
एक बार बस इतना बता दो, केमिकल बॉन्डिंग में हमने वो एक्स्ट्रा फैक्ट्स लिख लिए थे क्या? डायपोल मोमेंट पहला ही लिखा था। एक बार जरा जल्दी से वो निकाल लो बॉन्डिंग का, बस हमें 15 मिनट्स लगेगा जल्दी से।